हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग नहीं, वेरी गुड आफ्टरनून, पता ही नहीं चलता तुम लोगों के साथ में। आज बेटा शुरुआत हम कर रहे हैं यूनिट वाइज क्वेश्चन की, है ना। अगले 25 दिन में मेरी प्लानिंग ये है कि कम से कम पूरा जो सिलेबस है ना, कम से कम आपको मैं रिवाइज करा दूं 10 बार, है ना। तो पहले जो शुरुआत के 10 दिन है, इनमें तो हम 10 यूनिट को कवर करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद हम दो दो यूनिट को, तीन तीन यूनिट को, और फिर हम क्या करेंगे कि एनसीईआरटी क्लास 11, क्लास एनसीईआरटी क्लास 12। हैप्पी डॉक्टर्स डे टू ऑल ऑफ द फ्यूचर डॉक्टर्स। भविष्य के सभी डॉक्टर्स को डॉक्टर डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरी ये ऊपर वाले से प्रार्थना है कि आप सब लोग नीट 2020 में सफल हूं, बड़ी बड़ी रैंक लेके आए। हाँ, रूही के बर्थडे की थोड़ी सी तैयारी चल रही है, है ना। 20 लोगों का प्रोग्राम होगा करीब। अच्छा, तो मेंटी भी होगा बेटा, मेंटी भी होगा, क्यों परेशान हो रहे हो तुम लोग। मेंटी लाइव है ना। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। पार्टी चाहिए तुम लोगों को, पार्टी मिलेगी, लेकिन सिलेक्शन लेके आओ बेटा, सिलेक्शन लेके आओ, पार्टी तो मिलेगी, ठीक है। अच्छा। कमलेश कह रहे पढ़ा दूं मैं तुम सबको ऐसा, हर बाहर का क्वेश्चन भी लगे एनसीईआरटी जैसा। वाह क्या बात है कमलेश, थैंक यू बेटा इतनी तारीफ करने के लिए। तो बेटा अब एक नई एनर्जी से आज हम शुरुआत करेंगे, ठीक है। 1 जुलाई आज है और 25 दिन में, नीट 26 जुलाई को हो या ना हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगले 25 दिन में आपको मैं एनसीईआरटी 10 बार रिवाइज करा दूंगा, ठीक है। 10 बार एनसीईआरटी में आपको रिवाइज करा दूंगा क्वेश्चन के थ्रू। और कोशिश मेरी ये रहेगी कि उस तरह के क्वेश्चन मैं आपको कराऊं जो पहले मैंने नहीं कराए, या थोड़े से क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के बाहर के हैं, जिनमें आपको डर लग रहा है कि अगर एनसीईआरटी के बाहर से पेपर आए, क्योंकि एनटीए का पेपर आप देखिए, एनटीए के पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन 25, 30, 40 क्वेश्चन तक एनसीईआरटी के बाहर से आते हैं। तो कोशिश मेरी ये रहेगी कि उन सारे क्वेश्चन को मैं आपको कवर करवा दूं, ठीक है। तो बस आपको साथ में लगे रहना है और ज्यादा टाइम मैं नहीं लूंगा, ठीक है। एक तो एक ये जो सेशन होगा 12 बजे, इसको इसके थ्रू हम 2500 क्वेश्चन कर लेंगे अगले 25 दिन में। 100-100 क्वेश्चन अगर मैं कराऊंगा तो 2500 क्वेश्चन ये हो जाएंगे। और रात में जो एनटीए का मॉक टेस्ट है अगले 25 दिन में, वहां से भी 2500 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो अगले 25 दिन में 5000 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। डेली बेसिस पर करीब 200 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, तो 5000 क्वेश्चन अभी भी आपके हो जाएंगे, ठीक है। रूही से मिलवाऊंगा बेटा, रूही का बर्थडे लाइव कर दिया जाए क्या आज। तो बेटा तुम लोग पहले तो ये आज प्रॉमिस करो कि तुम लोग पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे मन के साथ इन 25 दिनों तक लगे रहोगे, पूरे डेडिकेशन के साथ। अगर आप डेडिकेशन दिखाओगे तो मेरे अंदर भी वो एनर्जी आएगी कि मैं लगातार काम कर सकूं और भी कुछ चीजें मैं प्लान कर पाऊं। अगर आप मेरे साथ में लगे रहेंगे तो मैं भी कुछ चीजें प्लान कर पाऊंगा, है ना। अगर आपके अंदर एनर्जी मुझे दिखाई देगी तो मैं कहूंगा चलो ठीक ये भी कर देते हैं। जैसे इस समय मैंने क्या किया है, जैसे कल आपने देखा रिप्रोडक्शन यूनिट जो है उसके 4 चैप्टर की जितने भी क्वेश्चन थे मैंने मर्ज करके एक साथ दे दिया, ताकि अलग अलग आपको ढूंढना ना पड़े, ठीक है। आग लगा दो तुम लोग एकदम धुआंधार, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, 1 से लेकर 100 रैंक सब तुम लोगों की होनी चाहिए, है ना। जोया सिद्दीकी करे सर फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी ये सीरीज स्टार्ट करें। बिल्कुल बेटा बिल्कुल, मैं शुरू कराता हूँ, ठीक है। मैं सर से बात कर लेता हूँ, अनुराग सर से, मनीष सर तो अभी फिलहाल 3-4 दिन छुट्टी पे रहेंगे, है ना। तो अनुराग सर से मैं बात कर लेता हूँ। हाँ, पूरा डेडिकेशन होना चाहिए, पूरा समर्पण होना चाहिए, और बहुत ज्यादा नहीं। देखिए दोपहर में करीब 1.5 घंटे का टाइम मैं आपसे लेता हूँ और रात में 1.5 घंटे, 3 घंटे में अगर 200 क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ, और वो भी एकदम अच्छे क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ में, है ना। नीलेश बेटा तबीयत मेरी एकदम ठीक है अब, है ना। तो बस आपको एक प्रॉमिस करना है कि आपको मेरे साथ में लगे रहना है, ठीक है, और सेशन को लाइक भी करना है, ये भी प्रॉमिस करना है। चलो खैर ये तो मजाक की बात होगी।
लेकिन आपको पढ़ाई करनी, सेशन को लाइक करो या ना करो तुम लोग, है ना, 3 घंटे आप अगर साथ में रहेंगे तो 200 क्वेश्चन मैं आपके तैयार करवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बेटा पहले क्वेश्चन से, है ना, फोड़ देते हैं नीट को, है ना। नीट में बेटा बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर 340-350 आप स्कोर कर सकते हैं, है ना, क्योंकि हम एनसीईआरटी भी पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी के बाहर के क्वेश्चन भी कर रहे हैं और सारी पीडीएफ मैंने प्रोवाइड की है बेटा आपको, और इन सारी पीडीएफ को एक साथ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा चैप्टर वाइज यूनिट वाइज करके, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बेटा आज के सेशन की, और आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आ रहा है बेटा, यूनिट है रिप्रोडक्शन। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, मैंगो एंड गुआवा आर प्रोपिगेटेड थ्रू, मैंगो और गुआवा में प्रोपिगेशन कैसे किया जाता है। चलिए बताइए, मैंगो और गुआवा, आम और अमरूद बहुत फेमस हैं और इनमें प्रोपिगेशन कैसे करते हैं बेटा, प्रोपिगेशन करते हैं ग्राफ्टिंग के द्वारा, इनमें ग्राफ्टिंग का तरीका यूज किया जाता है। ग्राफ्टिंग में शूट सिस्टम किसी दूसरे प्लांट का होता है और रूट सिस्टम किसी दूसरे प्लांट का लगाया जाता है, तो अलग अलग प्लांट के शूट और रूट सिस्टम को जोड़ के ग्राफ्टिंग किया जाता है, और ग्राफ्टिंग का तरीका मैंगो और गुआवा में यूज किया था। आपने देखा होगा नर्सरी में अगर आप कभी जाते हैं पेड़ खरीदने के लिए, तो आप देखते हैं कि कई सारे प्लांट ऐसे होते हैं जहां पर कुछ रस्सी बंधी हुई बीच में आपको दिखाई देती है, तो यही ग्राफ्टिंग है। ये जो रस्सी बांधी गई दो अलग अलग जीनोटाइप के प्लांट के, एक के रूट सिस्टम को और एक के शूट सिस्टम को आपस में कंबाइन कर दिया गया, ठीक है। चलिए, नाइट ब्लूमिंग फ्लावर आर जनरली, नाइट ब्लूमिंग फ्लावर का मतलब रात में खिलने वाले फूलों की बात हो रही, रात में खिलने वाले फूल जनरली कैसे होते हैं, नाइट ब्लूमिंग फ्लावर आर जनरली, रात में खिलने वाले फूल कैसे होते हैं बेटा, रात में जैसे रात रानी आपने सुना होगा, रात रानी, तो रात में खिलने वाले फूल कैसे होते हैं, दीज आर सेंटेड, इनमें बहुत ज्यादा खुशबू होती, ब्राइटली कलर नहीं होते बेटा, दीज आर व्हाइट कलर, रात में खिलने वाले जितने भी फूल होते हैं वो व्हाइट कलर के होते हैं, क्योंकि इन्हें रात में ऐसा तो नहीं मधुमक्खी को अट्रैक्ट करना है, तो दीज आर सेंटेड एंड व्हाइट कलर्ड। मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ एजिंग, एजिंग मतलब बुढ़ापे के लिए सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी कौन है, यानी बुढ़ापे का कारण क्या है, ये कौन सी थ्योरी सबसे अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करती है, दैट इज नॉन फंक्शनिंग ऑफ द थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड इम्यून सिस्टम में रोल प्ले करती है और इसीलिए कोरोना वायरस का ज्यादातर इफेक्ट बूढ़े लोगों पर होता है, क्योंकि जो थाइमस ग्लैंड होती है वो धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ साथ डिजनरेट करती जाती है। इंडक्शन ऑफ रूटिंग ऑन स्टेम बिफोर सेपरेटिंग देम फ्रॉम पेरेंट प्लांट, कह रहे पेरेंट प्लांट है बेटा, ये एक प्लांट है, मान लीजिए ये एक प्लांट आपको दिखाएगा और इसकी एक ब्रांच है यहाँ पर, है ना, और इस ब्रांच में यहाँ पर क्या किया गया, इसकी बार्क को, छाल को हटा दिया गया और उसके बाद यहाँ पर पॉलीथीन लपेट दी गई। अब यहां से रूट निकल आई, तो आपने इस ब्रांच को, इस पार्ट को अभी प्लांट से अलग नहीं किया है, लेकिन रूटिंग करवाने के बाद आप इसे अलग करेंगे, तो इंडक्शन ऑफ रूटिंग ऑन स्टेम बिफोर सेपरेटिंग, दैट इज नेम्ड एज लेयरिंग प्रोसेस, इसे लेयरिंग कहा जाता है, ग्राफ्टिंग अलग है लेयरिंग अलग है। एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब थ्रू द एंड अपोजिट टू माइक्रोपाइल, बेटा माइक्रोपाइल से अगर पॉलन ट्यूब की एंट्री होती है दैट इज नेम्ड एज पोरोगेमी से कहते हैं, लेकिन माइक्रोपाइल के अपोजिट एंड से हो रही है, और माइक्रोपाइल का अपोजिट एंड को क्या कहते हैं, चलाजा कहते हैं, तो चलाजा से अगर एंट्री होगी पॉलन ट्यूब की दैट इज नेम्ड एज चलाजोगेमी, और अगर इंटेगुमेंट से एंट्री होगी तो इसे मीजोगेमी कहेंगे। 3 साइट हो सकती हैं पॉलन ट्यूब के एंटर करने की, या तो माइक्रोपाइल से, या चलाजा से, या इंटेगुमेंट से। पोरोगेमी इज द मोस्ट कॉमन, माइक्रोपाइल से एंटर करेगा तो पोरोगेमी, चलाजोगेमी अगर चलाजलेन से एंटर करेगा, और इंटेगुमेंट से एंटर करेगा तो इसे मीजोगेमी, और सिनगेमी तो जानते हैं फर्टिलाइजेशन को ही सिनगेमी कहा जाता है। बेटा अगले 25 दिन तक पूरे डेडिकेशन के साथ अगर आप लगे रहेंगे, ये पूरे जो 38 चैप्टर है 10-10 बार मैं आपको रिवाइज करा दूंगा, पूरी एनसीईआरटी 10 बार रिवाइज हो जाएगी, बस आपको साथ में लगे रहना, और एनसीईआरटी के बाहर के पॉइंट भी कवर हो जाएंगे। टाइप ऑफ प्लेसेंटा प्रेजेंट इन ह्यूमंस और रैबिट, ह्यूमन और रैबिट में किस तरह का प्लेसेंटा पाया जाता है, ये आपको याद करना पड़ेगा, अगर आपको नहीं पता है, दैट इज डिस्क्वाइडल टाइप ऑफ प्लेसेंटा पाया जाता है ह्यूमन में, और ह्यूमन में ही पूछा जाता है नॉर्मली। इन एनिमल
चेलोन्स, ये स्पेशल टाइप के सब्सटेंस होते हैं, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, चेलोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, जल्दी से बताएंगे इस चैप्टर से थोड़ा सा आप सीखेंगे। तो अभी मैंने बात की थी एजिंग के बारे में, तो चेलोन का संबंध किससे होता है, एजिंग से इनका रिलेशन होता है। इन वेजिटेटिव प्रोपिगेशन बाई ट्यूबर विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन कॉन्स्टेंट थ्रू जनरेशन, करें वेजिटेटिव प्रोपिगेशन, और ट्यूबर कहां पर होता है, पोटैटो में, तो वेजिटेटिव प्रोपिगेशन अगर हो रहा है तो क्या कांस्टेंट रहेगा, मॉर्फोलॉजी विगर ओनली, वाइगर और मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी वाइगर या डिजीज रेजिस्टेंट, ये क्वेश्चन मैंने कराया है बेटा। कल कौन सी यूनिट कराऊंगा, कल मैं अभी बता दूंगा आपको कौन सी यूनिट कराऊंगा, ठीक है, मॉर्फोलॉजी वाइगर एंड डिजीज रेजिस्टेंट। क्योंकि बेटा देखिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्लोन बनते हैं, और क्लोन एकदम पेरेंट की तरह होते हैं बनावट, मॉर्फोलॉजी में वाइगर मतलब ताकत में, और डिजीज रेजिस्टेंट में, क्लियर। तो सारी चीजें कॉन्स्टेंट रहेंगी। हीपिंग ऑफ सॉयल अराउंड बेस ऑफ स्टेम इन पोटैटो इज मीन्ट फॉर, हीपिंग का मतलब है मिट्टी चढ़ाना। आपने गांव में देखा भी होगा कि जब आलू बोया जाता है तो आलू बोने के बाद आप देखते हैं मिट्टी चढ़ाई जाती है ना, और मिट्टी इसलिए चढ़ाई जाती है ताकि एक्सिलरी बड ज्यादा बने, एक्सिलरी बड का डेवलपमेंट ज्यादा हो, और एक्सिलरी बड ज्यादा बनेंगी तो प्रोडक्शन भी, यानी जो आलू की पैदावार है वो भी ज्यादा होगी, तो इसीलिए मिट्टी चढ़ाई जाती है, जब आलू के प्लांट बोए जाते हैं तो वहां पर मिट्टी चढ़ाई जाती है ना एक्सिलरी बड को इंड्यूस करने के लिए। मीरोब्लास्टिक क्लीवेज, क्वेश्चन नंबर 10, मीरोब्लास्टिक क्लीवेज किसे कहते हैं बेटा, क्लीवेज तो आप जानते हैं जाइगोट में होने वाले माइटोसिस को क्लीवेज कहते हैं, क्लीवेज इज ए स्पेशल टाइप ऑफ द माइटोटिक डिवीजन। अच्छा अब ये माइटोसिस में जो क्लीवेज होते हैं, एक तो होता होलोब्लास्टिक क्लीवेज, होलो मतलब कंप्लीट, यहां पर कंप्लीट डिवीजन हो जाता है, लेकिन मीरोब्लास्टिक क्लीवेज कैसा होता है, इनकम्प्लीट डिवीजन होता है बेटा, इनकम्प्लीट डिवीजन होगा। फॉर्मेशन ऑफ होल बॉडी फ्रॉम ए फ्रेगमेंट, एक छोटे से फ्रेगमेंट से अगर पूरी बॉडी डेवलप हो जाती है, फॉर्मेशन ऑफ होल बॉडी फ्रॉम ए फ्रेगमेंट, एक टुकड़े से पूरी बॉडी, जैसे हाइड्रा है, अगर हाइड्रा की बॉडी को हम 10 टुकड़ों में काट दें तो हर एक टुकड़े से, हर एक फ्रेगमेंट से एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाएगा, नया हाइड्रा बन जाएगा, दैट इज नेम्ड एज मॉर्फोलेक्सिस, इसे मॉर्फोलेक्सिस का नाम दिया जाता है। पोटैटोज आर कल्टिवेटेड बाई, पोटैटो की, आलू की खेती कैसे की जाती है बेटा, आलू की खेती कैसे करते हैं, दैट इज, एक तो ऑप्शन ट्यूबर दिया है और एक बड ऑन ट्यूबर दिया गया, तो क्या करोगे आंसर, अगर बड ऑन ट्यूबर ना दिया जाता तो आप ट्यूबर कर लेते, लेकिन बड ऑन ट्यूबर दिया गया, जैसे आलू अगर आप देखें तो आलू में आप देखते हैं कि आलू में जितनी एक्सिलरी बड होती हैं, जैसे आलू में 2 एक्सिलरी बड है तो इसको 2 टुकड़ों में ऐसे काट दिया जाता है और फिर इन दोनों को बो दिया जाता है और इससे 2 नए प्लांट बन जाते हैं। अगर किसी आलू में ये एक्सिलरी बड है यहाँ पर और यहाँ पे नहीं, अगर आप इसे 2 हिस्सों में काट देंगे तो इससे तो नया प्लांट डेवलप होगा लेकिन इस वाले पार्ट से नया प्लांट डेवलप नहीं होगा, जबकि ये ट्यूबर ही है लेकिन यहाँ पर एक्सिलरी बड नहीं है। क्लियर है बेटा, क्लियर है, वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून, जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहिए बेटा और अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट करिए, बहुत ही बेहतरीन सेशन होने वाला है बेटा 25 दिन के लिए ये। आफ्टर रिमूवल ऑफ कवरिंग द पी सीड कंसिस्ट ऑफ, अगर कह रहे मटर का एक दाना है और मटर के दाने में जो कवरिंग है इसे हटा दिया जाए तो क्या बचेगा बेटा, मटर के दाने से कवरिंग को हटा दिया जाए तो समझिएगा जरा, पी सीड की बात कर रहा, तो सीड के कितने पार्ट होते हैं, सीड के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है सीड कोट, एक होता है सीड कोट और दूसरा होता है एम्ब्रियो, ध्यान दीजिएगा, एक सीड कोट होता है दूसरा एम्ब्रियो होता है बेटा। तो करें कि अगर कवरिंग को हटा दिया जाए, कवरिंग क्या है, सीड कोट को अगर हटा दें तो क्या बचेगा, एम्ब्रियो बचेगा बेटा, सीधा सा आंसर है, एम्ब्रियो बचेगा, यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी, ऐसा नहीं कि बड़ा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है, यहाँ पर एम्ब्रियो बचेगा। और जो पी सीड होते हैं बेटा ये नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, तो आप ऐसे अंदाजा लगा लो कि एंडोस्पर्म तो आपको आंसर करना नहीं है, ठीक है, एम्ब्रियो आपको आंसर करना है बेटा यहाँ पर, ठीक है। चलिए इस फिगर को रिकॉग्नाइज करिए एंड फाइंड आउट द करेक्ट मैचिंग, रिकॉग्नाइज द फिगर एंड फाइंड आउट द करेक्ट मैचिंग, क्वेश्चन नंबर 14, ये ए है, ये बी दिखाया गया है, सी दिखाया गया और ये डी आपको दिखाया गया, जल्दी से पहचानिए।
ए क्या है बेटा, ए यहाँ पर क्लाइटोरिस दिखाई गई है, बी आपको जो दिखाया गया स्ट्रक्चर है ये लेबिया मेजोरा है, लेबिया मेजोरा, सी जो दिखाया गया बेटा सी आपको दिखाया गया है, नहीं बी लेबिया माइनोरा दिखाया गया है, बी लेबिया माइनोरा, सी जो बाहर है ये लेबिया मेजोरा हो जाएगा, लेबिया मेजोरा, और जो डी है ये वेजाइनल ऑरिफिस दिखाई दे रहा, वेजाइनल ओपनिंग दिखाई दे रही, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन बेटा। बेटा क्वेश्चन कुछ बच्चे करें कि इतने क्वेश्चन इनफ होंगे बेटा, 18,000 क्वेश्चन मैं करा चुका हूं जोया बेटा, 18,000 क्वेश्चन पिछले 3 महीने में मैं आपको करा चुका हूं, ठीक है। इस महीने में मेरी कोशिश ये है कि 25 दिन में 5,000 क्वेश्चन और आपको करा दूं, ठीक है। और देखते हैं मैराथन क्लास में, अगर मान लीजिए 5 मैराथन क्लास मैंने ले ली तो 2,500 क्वेश्चन और हो जाएंगे, हर मैराथन में 500 क्वेश्चन मैं संडे संडे आपको करवा दिया करूंगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर एब्सेंट इन फ्रॉक्स टेस्टिस इज, फ्रॉग के टेस्टिस में कौन सा स्ट्रक्चर बेटा यहां पर एब्सेंट होता है, फ्रॉग के टेस्टिस में पूछा गया। ह्यूमन में तो ये सब पाए जाते हैं, सेमिनिफेरस टिब्यूल, सेमाइनल वेजिकल, सर्टोली सेल, इंटरस्टिशियल सेल, फ्रॉग के टेस्टिस में क्या नहीं होता, सर्टोली सेल नहीं पाई जाती। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत सारे बच्चों को नई बात भी पता चली होगी, सर्टोली सेल फ्रॉग के टेस्टिस में नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 16, विच वन इज नॉट ए केस ऑफ एपीमॉर्फोसिस, एपीमॉर्फोसिस, एपीमॉर्फोसिस में क्या होता है बेटा, जैसे छिपकली है, छिपकली की पूंछ अपनी बॉडी से अलग हो जाती है और वो अपनी पूंछ को रीजनरेट कर लेती है, रीजनरेशन ऑफ लॉस्ट पार्ट इज कॉल्ड एपीमॉर्फोसिस। और हाइड्रा को अगर आप 10 टुकड़ों में 4 टुकड़ों में काट दें तो हर टुकड़ा नया ऑर्गेनिज्म को बनाएगा, दैट इज कॉल्ड मॉर्फोलेक्सिस। तो सेलेमेंडर की लिंब का रिप्लेसमेंट एपीमॉर्फोसिस है, स्टारफिश की आर्म का रिप्लेसमेंट एपीमॉर्फोसिस है, छिपकली की पूंछ का रीजनरेशन एपीमॉर्फोसिस है। तो ये तीनों केस तो हो गए, लेकिन बी ऑप्शन फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्मॉल क्लंप ऑफ सेल ये एपीमॉर्फोसिस नहीं है बेटा, ये स्पर्मेटोजेनेसिस का केस होगा। क्वेश्चन नंबर 17, तो दोनों बातें मुझे लगता है आप समझ गए होंगे, एपीमॉर्फोसिस भी समझ गए होंगे और मॉर्फोलेक्सिस भी समझ गए होंगे, और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने एपीमॉर्फोसिस और मॉर्फोलेक्सिस पहली बार सुना होगा, और ये सब एनटीए के मॉक टेस्ट में आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ड्यूरिंग हिज कॉलेज डेज, अपने कॉलेज के दिनों में पंचानन महेश्वरी वॉज इंस्पायर्ड बाई एन अमेरिकन मिशनरी टीचर, किससे इंस्पायर्ड थे पंचानन महेश्वरी अपने कॉलेज के दिनों में, डॉक्टर डब्ल्यू डजियन से इंस्पायर्ड थे बेटा, माल्थस नहीं करना है, माल्थस और चार्ल्स लिल से डार्विन इंस्पायर्ड थे बेटा, ध्यान दो पंचानन महेश्वरी की बात हो रही है, पंचानन महेश्वरी डॉक्टर डब्ल्यू डजियन से इंस्पायर्ड थे, और ये बात एनसीईआरटी ने लिखी है क्लास 12 में रिप्रोडक्शन यूनिट के शुरुआत में, जो साइंटिस्ट है बेटा है ना, क्या बेटा आयान क्या कहना चाह रहे हो बताओ जल्दी से, अब अगर मैं कमेंट पढ़ूंगा तो पढ़ाएगा कौन ये बताओ तुम, अगर मैं सबका कमेंट पढ़ने लगा तो फिर पढ़ाएगा कौन, ये भी तो बात है ना। इन्हें फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल में कह रहा बेटा ध्यान दीजिएगा, N2N एंड 3N कंडीशन अकर रिस्पेक्टिवली इन, ठीक है, N2N और 3N कंडीशन कहां कहां पर पाई जाएगी, तो एंटीपोडल बेटा कैसी होती है, एन होती हैं, ये भी एन होती हैं, और एंडोस्पर्म 3N हो जाएगा, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, एग एग एन हो जाएगा, न्यूसेलस की सेल 2N हो जाएगी, एंडोस्पर्म 3N हो जाएगी, ये हो सकता है, एंडोस्पर्म 3N, न्यूसेलस 2N, एग एन हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता, एंटीपोडल एन, सिनर्जिड एन, इंटेगुमेंट 2N, ये भी नहीं हो सकता, तो बी ही ऑप्शन बेटा यहाँ पर हो सकता है। वैसे यहाँ पर फर्टिलाइज्ड अगर लिखा गया तो यहाँ पर एक जहां पर लिखा है यहां पर सही तरीके से तो जाइगोट होना चाहिए था, ठीक है। चलिए, विच ग्लैंड सिक्रीट एल्केलाइन म्यूकस इन यूरेथ्रा टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ यूरिन, यूरेथ्रा में यूरिन की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए एल्केलाइन म्यूकस का सिक्रीशन कौन करती है, दीज आर काउपर ग्लैंड, इन्हें काउपर ग्लैंड का नाम दिया जाता है, काउपर ग्लैंड का एक नाम और होता है क्या आप बता सकते हो, काउपर ग्लैंड आर ऑल्सो नेम्ड एज, अनुराग सिंह थैंक यू बेटा, मुझसे कुछ अगर इंस्पायर्ड आप हो रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है ना, कम से कम
आपके अंदर ये ललक होनी चाहिए कि मैं भी कुछ ऐसा काम कर सकता हूँ, मैं भी कुछ, मतलब पहले तो सिलेक्शन आप लीजिए, है ना। दीज आर हाँ ऑल्सो नेम्ड एज बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, इन्हें बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड कहा जाता है, जो कि एनसीईआरटी ने लिखा है। एनसीईआरटी में काउपर ग्लैंड का जिक्र नहीं किया गया, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है। अकॉर्डिंग टू विस थ्योरी इज इन द गिवन स्टेटमेंट करेक्ट, क्या लिखा है कि बी एंड टी सेल, बी एंड टी लिम्फोसाइट हैविंग रिसेप्टर फॉर सेल्फ एंटीजन अंडरगो प्रोग्राम्ड सेल डेथ। ये कौन सी थ्योरी है ये आपसे पूछा गया, नया पॉइंट हो सकता है बेटा। नंदन थैंक यू बेटा, थैंक यू। प्रियंका, अकॉर्डिंग टू विच थ्योरी इज द गिवन स्टेटमेंट करेक्ट, कौन सी थ्योरी है बेटा, दैट इज द प्रोग्राम्ड सेनेसेंस थ्योरी है बेटा, ये प्रोग्राम सेनेसेंस थ्योरी है, याद कर लीजिएगा। बाइनरी फिशन इज ए टाइप ऑफ, बाइनरी फिशन कहां पर होता है, अमीबा में, पैरामीशियम में, यूग्लिना में, इन सब में बाइनरी फिशन पाया जाता है, और बाइनरी फिशन है एक टाइप का, जल्दी से बताइएगा, बाइनरी फिशन एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बेटा। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का टर्म हम यूज करते हैं किसके लिए, प्लांट के लिए जनरली यूज किया जाता है, ठीक है। तो अमीबा की अगर हम बात करें, प्रोटिस्टा का मेंबर है, और यहां पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टर्म यूज करोगे बेटा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेम करें सर, एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे। चलो खैर, तुम लोग कम से कम मेरे बहाने पढ़ाई कर ले रहे हो, यही बहुत बड़ी बात है, यही मेरे लिए खुशी की बात है, है ना। ओव्यूल इज कर्व, ओव्यूल इज कर्व एंड द एम्ब्रियो सैक इज हॉर्स शू शेप, खूब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस यहीं से आप आंसर कर पाओगे। एम्ब्रियो सैक इज हॉर्स शू शेप, हॉर्स शू शेप का एम्ब्रियो सैक कहां पर होता है बेटा, एम्फीट्रोपस, यहां से आप याद करिएगा, एम्फीट्रोपस में हॉर्स शू शेप का एम्ब्रियो सैक पाया जाता है, हॉर्स शू शेप का एम्ब्रियो सैक पाया जाता है एम्फीट्रोपस ओव्यूल में। Which of the cellular layer disintegrate and regenerate again and again in human? Human में कौन सी layer होती है जो बार बार degenerate होती है फिर regenerate होती रहती है? That is the endometrium, endometrium of uterus. Uterus की endometrium बार बार degenerate होती है और बार बार regenerate, बेटा B क्यों कर रहे हो option? Dermis नहीं बेटा, epidermis होता है, एपिडर्मिस आप कहोगे तो सही होगा, ठीक है, डर्मिस नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर बेटा ए हो जाएगा, बी नहीं होगा, अगर एपिडर्मिस लिखते तो सही होता, डर्मिस लिखा बेटा, डर्मिस अंदर पाई जाने वाली लेयर है, एपिडर्मिस के नीचे पाई जाती है, वो डिजेनरेट नहीं करती है। द ग्रेटेस्ट एबिलिटी फॉर रीजनरेशन अमंग द एनिमल इज फाउंड इन, एनिमल में रीजनरेशन की सबसे ज्यादा एबिलिटी कहां पाई जाती है, ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन, इंपॉर्टेंट है बेटा, इंपॉर्टेंट है ना। चलिए, दैट इज प्लेनेरिया, प्लेनेरिया में रीजनरेशन की हाई पावर प्रेजेंट होती है। मैक्सिमम लाइफ स्पैन ऑफ डॉग, डॉग की मैक्सिमम लाइफ स्पैन कितनी है, एनसीईआरटी में तो नहीं दिया गया है लेकिन आप याद करिएगा क्योंकि एएफएमसी में आपसे पूछा गया है और एफएमसी एएम सब सब नीट में ही शामिल है। तो डॉग की मैक्सिमम लाइफ स्पैन कितनी होती है बेटा, दैट इज 20 ईयर मैक्सिमम लाइफ स्पैन होती है डॉग की। फॉर्मेशन ऑफ एन एक्स्ट्रा एम्ब्रियो फ्रॉम न्यूसिलस और इंटेगुमेंट, न्यूसिलस और इंटेगुमेंट से एक्स्ट्रा एम्ब्रियो बन रहा है, दैट इज नेम्ड एज एडवेंटिटियो पॉलीएम्ब्रियोनी, एक से ज्यादा एम्ब्रियो बन रहे हैं तो पॉलीएम्ब्रियोनी, और न्यूसिलस या इंटेगुमेंट से बन रहा है तो इसे एडवेंटिटियो पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं, एडवेंटिटियो पॉलीएम्ब्रियोनी। नेबेन कर्न इज पार्ट ऑफ, बेटा यहां पर देखिए सारे ऑप्शन डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं, जितना मैं बता रहा हूं इतना आप कर लोगे ना, दैट इज मोर देन सफिशियंट। ये देखिए, ये आपके नीट में पूछा गया था 2015-16 में, नेबेन कर्न किसका पार्ट होता है, नेबेन कर्न इज द पार्ट ऑफ द ह्यूमन स्पर्म, ये ह्यूमन स्पर्म का पार्ट होता है, दैट इज द पार्ट ऑफ द ह्यूमन स्पर्म। क्वेश्चन नंबर 28, विद द एडवांसमेंट ऑफ द एज हेयर ऑफ मेल स्टार्ट थिनिंग ड्यू टू, करें कि एज बढ़ने के साथ मेल के जो हेयर होते हैं वो धीरे धीरे थिन होने लगते हैं, उसका रीजन क्या है, द रीजन इज,
दैट इज द रिड्यूस्ड रेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, रिड्यूस्ड रेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। आदर्श बिल्कुल बेटा कर सकते हो, 340 मार्क्स आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, अभी भी आपके पास टाइम है, ठीक है, 340 मार्क्स आप कर सकते हो वीडियो लेक्चर के द्वारा, बिल्कुल। स्टेम कटिंग आर कॉमनली यूज इन प्रोपेगेशन, पहला क्वेश्चन तो यही मैंने कराया था बेटा, स्टेम कटिंग नहीं, पहला क्वेश्चन तो था ग्राफ्टिंग का, पहला क्वेश्चन ग्राफ्टिंग का था, तो ग्राफ्टिंग कहाँ की गई थी, मैंगो में ग्राफ्टिंग की गई थी। स्टेम कटिंग तो आप जानते हैं बेटा, रोज एंड चाइना रोज, रोज और चाइना रोज, बचपन में आपने देखा होगा गुड़हल के प्लांट से आपने एक स्टेम को तोड़ के और दूसरी जगह पर लगा दिया होगा, है ना, तो रोज और चाइना रोज की अगर हम बात करें तो इनमें स्टेम कटिंग का यूज किया जाता है, ठीक है। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फाउंड इन साइकस एंड एंजियोस्पर्म, साइकस और एंजियोस्पर्म में कॉमन कैरेक्टर क्या है, विशल साइकस में नहीं पाई जाती है, एंजियोस्पर्म में पाई थी, तो ये कॉमन कैरेक्टर नहीं है। ओव्यूल दोनों में पाया था, इसलिए दोनों में सीड बनते हैं। मोटाइल स्पर्म, मोटाइल स्पर्म की अगर हम बात करें तो ये भी कॉमन कैरेक्टर नहीं, साइकस में टॉप शेप का स्पर्म पाया जाता, मल्टीसीलिएटेड होता है ना, और सर्सिनेट वर्नेशन है साइकस में, लेकिन एंजियोस्पर्म में नहीं है। तो ओव्यूल कॉमन फीचर है एंजियोस्पर्म और साइकस में, ओव्यूल से ही सीड का फॉर्मेशन होता, ओव्यूल ही सीड का फॉर्मेशन होता है, क्लियर है मेरे बच्चों। द एनिमल इन विच टेस्टिस डिसेंड इनटू स्क्रोटम ओनली ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन, केवल प्रजनन काल में टेस्टिस डिसेंड करके स्क्रोटम में जाते हैं, जबकि ह्यूमन में तो परमानेंट होता है, लेकिन कुछ एनिमल में टेस्टिस केवल प्रजनन काल में ब्रीडिंग सीजन में डिसेंड करके स्क्रोटम में जाते हैं, दैट इज बैट में ऐसा होता है, चमगादड़ के केस में ऐसा होता है, ये आप याद करेंगे। रीड द स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट ट्रू और फॉल्स, चलिए देखिएगा, पहला स्टेटमेंट, टाइप ऑफ रीजनरेशन इन हाइड्रा, हाइड्रा में आपसे कहा है कि एपिमॉर्फोसिस, बेटा अभी बताया कि मॉर्फोलेक्सिस होती है, मेंबर ऑफ रेप्टाइल सच एज लिजर्ड एग्जिबिट ऑटोटॉमी, बिल्कुल, लिजर्ड मतलब छिपकली और छिपकली में क्या होता है बेटा, ऑटोटॉमी मतलब वो अपनी पूंछ को अपनी बॉडी से अलग कर देती है, तो ये सही है। रीजनरेशन ऑफ लिंब इन एम्फीबियन इन्वॉल्व मॉर्फोलेक्सिस, गलत है बेटा, लिंब का जो रीजनरेशन होता है वो एपिमॉर्फोसिस होता है, इसका मतलब है कि ए एंड सी आर फॉल्स एंड बी इज ट्रू स्टेटमेंट, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट, क्या बता सकते हैं फिगर किसका है, ये फिगर रिकॉग्नाइज करना, और इसके बारे में मैंने कई बार आपको बताया बेटा, इसके बारे में कई बार मैंने आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 33, ये फिगर है एक ग्रीन एल्गा जिसका नाम है कारा, कारा नाम के ग्रीन एल्गा का फिगर है बेटा, और इसमें हमेशा जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है ऊपर की तरफ होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन ऊपर की तरफ और मेल सेक्स ऑर्गन नीचे की तरफ होता है, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को कहते हैं उगोनिया और मेल सेक्स ऑर्गन को कहते हैं एंथ्रीडियम, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उगोनियम, उगोनियम और एंथ्रीडियम, ये आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ओबिस बॉडीज, एनटीए के मॉक टेस्ट में भी क्वेश्चन था, ओबिस बॉडीज आर कनेक्टेड विद द फॉर्मेशन ऑफ, ओबिस बॉडीज किसका फॉर्मेशन करती बेटा, ओबिस बॉडीज आर कनेक्टेड विद द फॉर्मेशन ऑफ, जल्दी से आंसर करिएगा, ओबिस बॉडीज ये पॉलन ग्रेन की एक्साइन का फॉर्मेशन करती, ओबिस बॉडी पॉलन ग्रेन एक्साइन का फॉर्मेशन करती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इमॉर्टल, इनमें से कौन सी सेल अमर है, तो बेटा जो जर्म सेल होती हैं दीज आर इमॉर्टल, क्योंकि जर्म सेल से अगली जनरेशन आ जाती है, फिर उनसे अगली जनरेशन आ जाती है, तो ये सेल इमॉर्टल यानी अमर होती हैं। एजिंग इज ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ हार्मफुल प्रोटीन, द थ्योरी इज, यानी बुढ़ापे का कारण हार्मफुल प्रोटीन का एक्युमुलेशन होता है, ये कौन सी थ्योरी है, इसके पहले मैंने दो थ्योरी और बताई बेटा, ये और थ्योरी आप जान लीजिए यहां पर, ये कौन सी थ्योरी है, दैट इज नेम्ड एज एरर कैटास्ट्रोफ थ्योरी, इसे एरर कैटास्ट्रोफ थ्योरी कहा जाता है। ए सियोन इज ग्राफ्टेड ऑन ए स्टॉक, क्वालिटी ऑफ फ्रूट प्रोड्यूस्ड विल डिपेंड अपॉन जीनोटाइप ऑफ, देखिए स्टॉक कहते हैं जिसका बेटा रूट सिस्टम होता है, ग्राफ्टिंग में मैंने बताया ना कि दो प्लांट को हम जोड़ते हैं, एक का रूट सिस्टम लेते हैं और एक का शूट सिस्टम लेते हैं,
तो जिसका सूट सिस्टम लेते हैं उसे सियोन कहते हैं, और जिसका रूट सिस्टम लेते हैं उसे स्टॉक कहते हैं। अब कह रहे कि जो फ्रूट प्रोड्यूस होंगे उसकी क्वालिटी किस पे निर्भर करेगी बेटा? देखिए फ्रूट का फॉर्मेशन होगा, फ्रूट का फॉर्मेशन होगा ओवरी से। ओवरी कहाँ होगी? फ्लावर में। और फ्लावर कौन बनाएगा? सूट सिस्टम, यानी फ्रूट की क्वालिटी सियोन पर डिपेंड करेगी बेटा। ये कॉन्सेप्ट है, आप याद कर लीजिएगा। बोथ नहीं करना है बेटा, सियोन करना है। डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमिटोफाइट डायरेक्टली फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल विदाउट मियोसिस। कल भी मैंने इस बारे में थोड़ा सा आपको बताया था। देखिए मेगा स्पोर मदर सेल क्या है? मेगा स्पोर मदर सेल डिप्लॉयड है, मतलब स्पोरोफाइट है। और अगर स्पोरोफाइट से बिना मियोसिस के, अगर स्पोरोफाइट से बिना मियोसिस के गैमिटोफाइट बन रहा है, दैट इज कॉल्ड एपोस्पोरी। इसे एपोस्पोरी कहते हैं। लेकिन अगर उल्टा कहा जाए, अगर गैमिटोफाइट से बिना फर्टिलाइजेशन के स्पोरोफाइट बन जाए, दैट इज एपोगैमी। ध्यान दीजिए, जिससे बनता है उसी के आधार पर नाम रखिएगा। स्पोरोफाइट से गैमिटोफाइट बन जाए तो एपोस्पोरी, और गैमिटोफाइट से स्पोरोफाइट बन जाए तो एपोगैमी। जिससे बनेगा उसके आधार पे नाम रखा जाएगा, ठीक है? जिससे बनेगा उस उसके आधार पे नाम रखा जाएगा। क्लियर बेटा? चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पोलैरिटी, यानी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, डॉर्सल एंड वेंट्रल, मीडियल एंड लेटरल इज कॉल्ड। पोलैरिटी का जो एस्टेब्लिशमेंट होता है, इस फिनोमिनन को क्या कहा जाता है? दैट फिनोमिनन इज नेम्ड एज। चलिए जल्दी से बताइएगा, पोलैरिटी का जो एस्टेब्लिशमेंट होता है बेटा। देखिए अब सीखने का टाइम भी आपके पास है ना, इस समय चीजों को आप याद भी कर सकते हैं अच्छी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 39 में आपसे पूछा है, दैट इज नेम्ड एज पोलैरिटी, पी फॉर पोलैरिटी एंड पी फॉर पैटर्न फॉर्मेशन, ठीक है? पैटर्न फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 40, ग्रोथ थ्रू इंक्रीज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम के द्वारा ग्रोथ कहां पर होती है बताइएगा? देखिए आप जानते हैं कि मसल सेल नर्व सेल डिवाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन नर्व सेल का वॉल्यूम भी नहीं बढ़ता है, ठीक है? अच्छा अब मसल आप देखते हैं कि जो बॉडी बिल्डर होते हैं वो एक्सरसाइज करते हैं, और उनकी मसल, यहाँ पर बाइसेप मसल होती है और ये खूब उसका साइज बड़ा हो जाता है। तो सवाल ये है कि अगर मसल की सेल डिवाइड नहीं करती हैं तो कैसे मसल फूल जाती है, कैसे उसमें ग्रोथ होती है? तो वहां पर मसल का साइज बढ़ता है, ठीक है? वहां पर स्टेटेड मसल जो होती है बेटा, इनके वॉल्यूम में इंक्रीज होता है, इनका साइज बढ़ता है। तो स्टेटेड मसल में ग्रोथ होती है बेटा इंक्रीज इन वॉल्यूम के द्वारा। सेल का नंबर नहीं बढ़ता है, केवल वॉल्यूम बढ़ता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41, ग्राफ्टिंग इज नॉट सक्सेसफुल इन मोनोकॉट। केवल ग्राफ्टिंग डाइकॉट में ही करा सकते हैं बेटा। तो इसका रीजन आपसे पूछा गया कि मोनोकॉट में ग्राफ्टिंग नहीं करा सकते हैं, उसका क्या रीजन है? ग्राफ्टिंग डाइकॉट में पॉसिबल है बेटा, क्योंकि यहां पर कैम्बियम पाया जाता है, इसके द्वारा सेकेंडरी ग्रोथ होती है। मोनोकॉट की अगर बात करें बेटा, तो वहां पर कैम्बियम नहीं होता और इसलिए सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। एलिरॉन लेयर इज हेल्प इन। एलिरॉन लेयर किसमें मदद करती है बेटा? एलिरॉन लेयर कुछ मोनोकॉट में आप पढ़ते हैं ना, एलिरॉन लेयर के बारे में मेज में आपने पढ़ा है। एलिरॉन लेयर प्रोटीन रिच होती है बेटा, और ये क्या काम करती है? क्वेश्चन नंबर 42, एलिरॉन लेयर क्या आंसर कर रहे हो बेटा तुम लोग? कोई आंसर एक ही ये दे रहा है, स्टोरेज ऑफ फूड। नहीं बेटा, एलरॉन लेयर का काम होता है यूटिलाइजेशन ऑफ स्टोर्ड फूड। ये एम्ब्रियो के लिए फूड को यूटिलाइज करने में मदद करती, स्टोरेज करने का काम तो एंडोस्पर्म कर लेता है, ठीक है? एलरॉन लेयर जो होता है वो यूटिलाइजेशन में मदद करता है। ऑल नहीं होगा बेटा, ऑल भी नहीं होगा, ऑल देके गिरना नहीं तुम लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पैटर्न ऑफ क्लीवेज इन एग ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग के एग में आपसे पूछा है कि क्लीवेज का पैटर्न कैसा होता है। 41 का कोई बता रहा है? ए होना चाहिए।
पैटर्न ऑफ क्लीवेज इन एग ऑफ फ्रॉग इज, पैटर्न ऑफ क्लीवेज इन एग ऑफ फ्रॉग, चलिए फ्रॉग में क्लीवेज का पैटर्न क्या होता है बेटा? मीरोब्लास्टिक होता है, होलोब्लास्टिक अनइक्वल होता है, होलोब्लास्टिक इक्वल होता है, या ऑल ऑफ द अबव? तो यहां पर पैटर्न जो फ्रॉग में होता है दैट इज होलोब्लास्टिक अनइक्वल। ह्यूमन में होलोब्लास्टिक इक्वल होता है और फ्रॉग में होलोब्लास्टिक अनइक्वल होता है। मंतशा बेटा आप जो बता रहे हो स्टॉक, आपका आंसर गलत है। जो मैंने बताया वो सही है, स्टॉक रूट सिस्टम होता है और रूट सिस्टम पे फ्रूट की क्वालिटी कभी भी डिपेंड नहीं करेगी। इट कैन रीजनरेट एंटायर एलिमेंट्री कैनाल। अब एंटायर एलिमेंट्री कैनाल को कौन रीजनरेट करता है बेटा? देखिए एक फिनोमिनन होता है इविसरेशन, एक इविसरेशन नाम का फिनोमिनन होता है। इविसरेशन का मतलब रिमूवल ऑफ विसरा, रिमूवल ऑफ विसरा। ये पाया जाता है सी कुकम्बर में, सी कुकम्बर समुद्री खीरा कहते हैं, कुकुमेरिया इसका नाम दिया गया। तो ये जो सी कुकम्बर है ये अपने एलिमेंट्री कैनाल को अपने माउथ से निकाल के फेंक देता है, अपनी एलिमेंट्री कैनाल को अपने माउथ से निकाल के फेंक देता है और अपने एलिमेंट्री कैनाल को रीजनरेट कर लेता है। रिकग्नाइज द फिगर एंड फाइंड आउट करेक्ट मैचिंग। क्या क्या दिखाया गया देखिए जरा, ये आपको दिखाया गया क्लेमाइडोमोनास, ये आपको पेनिसिलियम दिखाया गया, ये हाइड्रा आपको दिखाया गया है और ये स्पॉन्ज आपको दिखाई गई है। तो अब आपको पहचाना कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं। तो क्लेमाइडोमोनास में आपको जूस्पोर दिखाए गए हैं, यहाँ कोनिडिया आपको दिखाई गई, यहाँ बडिंग दिखाई गई है और यहाँ पर जेम्यूल फॉर्मेशन आपको दिखाया गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बेटा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, कुकुमेरिया को सी कुकुम्बर कहते हैं। कुकुमेरिया क्या करता है? अपनी एलिमेंट्री कैनाल को अपने माउथ से निकाल के फेंक देता है और अपनी इंटेस्टाइन को फिर से रीजनरेट कर लेता है। ओव्यूल इज स्ट्रेट विद फ्यूनिकुलस, एम्ब्रियो सैक चलाजा एंड माइक्रोपाइल लाइंग ऑन स्ट्रेट लाइन इट इज। एक मैंने हॉर्सू से बताया था एम्फीट्रोपस, तो एम्फीट्रोपस तो यहां पर नहीं हो पाएगा, ठीक है, एम्फीट्रोपस तो नहीं हो पाएगा। एनाट्रोपस इन्वर्टेड होता है बेटा, ये इन्वर्टेड होता है ना, एनाट्रोपस एनसीईआरटी में दिया गया इन्वर्टेड होता है। यहाँ पर लिखा ओव्यूल इज स्ट्रेट, दैट इज ऑर्थोट्रोफस, ऑर्थोट्रोफस में ओव्यूल स्ट्रेट होता है, एनाट्रोफस में इन्वर्टेड ओव्यूल पाया जाता है। छोटे छोटे क्लू हैं जिनसे आप इन पॉइंट को याद रख पाएंगे। अम्बिलिकल कॉर्ड कंटेन, अम्बिलिकल कॉर्ड में क्या पाया जाता है बेटा? अम्बिलिकल कॉर्ड कंटेन, जल्दी से बताइएगा, अम्बिलिकल कॉर्ड कंटेन। डेली बेसिस पर एक एक यूनिट हम कवर करते हुए चलेंगे बेटा, ठीक है। हर यूनिट के जितने भी चैप्टर होंगे सबके क्वेश्चन हम मिक्स करके यहां पर करेंगे और 10 दिन में पूरी एनसीईआरटी आपकी रिवाइज हो जाएगी। चलिए अम्बिलिकल कॉर्ड कंटेन, अम्बिलिकल कॉर्ड में क्या होता है बेटा? एलेंटोइक आर्टरी और एलेंटोइक वेन पाई जाती है। वन ऑफ द मेजर रीजन ऑफ एपोप्टोसिस, एपोप्टेसिस क्या होता है बेटा? प्रोग्राम्ड सेल डेथ को एपोप्टेसिस कहते हैं, प्रोग्राम्ड सेल डेथ दैट इज नेम्ड एज एपोप्टोसिस। जैसे आरबीसी हैं तो आरबीसी 120 दिन के बाद उनकी डेथ हो जाती है, दैट इज प्रोग्राम्ड सेल डेथ, है ना। तो प्रोग्राम्ड सेल डेथ का मुख्य कारण क्या है? दैट इज रिड्यूस्ड फूड इनटेक, सेल फूड लेना कम कर देती है और इससे उनकी डेथ हो जाती है। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन थ्रू कटिंग ऑफ रूट इज कैरीड आउट इन। एक तो अभी स्टेम कटिंग मैंने बताया था कहां पर, रोज और चाइना रोज में स्टेम कटिंग होती है, यहां रूट कटिंग बेटा पूछ रहा है। रूट कटिंग कहां पर पाई जाती? क्वेश्चन नंबर 49, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया बेटा। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर यस दैट इज बेटा रूट कटिंग है, आप लोग फिर भी आंसर कर रहे हो, दैट इज लेमन एंड टैमरिन। डॉक्टर साहब समझिए जरा इस बात को, फ्यूचर डॉक्टर्स जरा इस बात को समझने की कोशिश करें। इन काइजेलिया पिनेटा या सॉसेज ट्री पॉलिनेशन इज परफॉर्म बाय, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट,
ये एम्स में इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे गए, और एम्स चूंकि शामिल हो चुका है बेटा आपके नीट में, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सॉसेज ट्री में पॉलिनेशन होता है चमगादड़ के द्वारा, बैट के द्वारा, दैट इज नेम्ड एज चायरोप्टेरोफिली, इसे चायरोप्टेरोफिली कहा जाता है। बर्ड से होने वाला पॉलिनेशन होता है ऑर्निथोफिली, है ना, ऑर्निथोफिली कहते हैं इसे। इंसेक्ट के द्वारा होने वाला पॉलिनेशन क्या कहलाता है, एंटोमोफिली कहलाता है, एंटोमोफिली। और विंड के द्वारा होने वाला पॉलिनेशन कहलाता है दैट इज एनिमोफिली, एनिमोफिली। वाटर के द्वारा होने वाला पॉलिनेशन कहलाता है हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली। मोलस्क के द्वारा होने वाला पॉलिनेशन कहलाता है मलेकोफिली। चींटियों के द्वारा होने वाला पॉलिनेशन कहलाता है मायरमेकोफिली। ये सारे पॉइंट आपसे एग्जाम में कभी ना कभी पूछे जा चुके हैं। क्लियर? चलिए 50 क्वेश्चन हो चुके हैं बेटा। विच रिप्रेजेंट ए कंडीशन ऑफ हाईली रिड्यूस्ड मोर्टेलिटी ऑफ स्पर्म। स्पर्म की मोर्टेलिटी अगर बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाती है, स्पर्म की मोर्टेलिटी अगर बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाती है, दैट कंडीशन इज नेम्ड एज, इस कंडीशन को क्या कहते हैं बेटा, जल्दी से बताइएगा, इस कंडीशन को क्या कहा जाता है। हाईली रिड्यूस मोर्टेलिटी, दैट इज नेम्ड एज एस्थेनोस्पर्मिया, इस कंडीशन को एस्थेनोस्पर्मिया कहा जाता है। एक्सोलॉटल लार्वा सोज, एक्सोलॉटल लार्वा क्या शो करता है, पहला ऑप्शन है नियोटिनी एंड पेडोजेनेसिस, बिल्कुल नियोटिनी और पेडोजेनेसिस शो करता है। एब्सेंस ऑफ थायरॉयड अफेक्ट मेटामॉर्फोसिस, बिल्कुल थायरॉयड ग्लैंड का एब्सेंस मेटामॉर्फोसिस को अफेक्ट करता है, क्योंकि मेटामॉर्फोसिस में आयोडीन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट इज हेमिकॉर्डेट, नहीं बेटा, एक्सोलॉटल लार्वा की अगर बात करें तो ये कॉर्डेट है बेटा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 52 में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 यहां पर करेक्ट हो जाएंगे, तीसरा इनकरेक्ट है बेटा। एक्सोलॉटल लार्वा, हाँ यूरो कॉर्डेटा से बेटा, कॉर्डेटा में, यूरो कॉर्डेटा से, ठीक है। बेटा ये जो लार्वा एक्सोलॉटल लार्वा है ये एम्बाइस्टोमा में पाया जाता है, ठीक, एम्फीबिया का मेंबर, मैंने बता दिया यूरोकॉर्डेटा गलत है, एम्फीबिया याद रखिएगा, ठीक है। एम्फीबिया में एक्सोलॉटल लार्वा पाया जाता है एम्बाइस्टोमा में, एक एनिमल है एम्बाइस्टोमा, यहाँ पर एक्सोलॉटल नाम का लार्वा होता है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, ये एनसीईआरटी की लाइन है, द एंसेस्टेड अमीबा डिवाइड बाई मल्टीपल फिशन एंड प्रोड्यूसेस स्यूडोपोडियो स्पोर, दिस फिनोमिना इज नोन एज। फेवरेबल कंडीशन में अमीबा मल्टीपल फिशन के द्वारा डिवाइड करता है, इस फिनोमिनन को क्या कहते हैं, दैट कंडीशन इज नेम्ड एज स्पोरुलेशन, इस कंडीशन को स्पोरुलेशन कहा जाता है, एनसीईआरटी में ऐड है ये। ऑयल रिजर्व ऑफ ग्राउंड नट इज प्रेजेंट इन, इसका कॉन्सेप्ट मैंने बताया था बेटा, ग्राउंड नट नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है, ये नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है, और जो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं बेटा वो स्टोरेज कहां पर करते हैं, कॉटिलिडन के अंदर फूड को स्टोर करने का काम करेंगे। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द मियोसाइट ऑफ अनियन पोटैटो हाउस फ्लाई ह्यूमन एंड ऑफियोग्लॉसम आर रिस्पेक्टिवली। मियोसाइट का मतलब गैमीट, मदर सेल, और मदर सेल है तो डिप्लॉयड नंबर आपको बताना है, यहाँ पर डिप्लॉयड नंबर, तो अनियन में डिप्लॉयड नंबर कितना होता है बेटा, 16, 16 डिप्लॉयड नंबर होता है, दो ऑप्शन में 16 दिया गया है।
फिर पोटैटो में 48, हाउस फ्लाई में 12, ह्यूमन में 46, ऑफियोग्लॉसा में 12, 60, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 55 में करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। विच इज करेक्ट? पहला है गैमीट आर इनवेरियबली हैप्लॉयड, बिल्कुल गैमीट बिना किसी संदेह के हैप्लॉयड होते हैं। स्पोर आर इनवेरियबली हैप्लॉयड, नहीं बेटा स्पोर डिप्लॉयड भी हो सकते हैं, जैसे रस्ट फंजाई, एनटीए ने क्वेश्चन दिया था, रस्ट फंजाई में डिप्लॉयड स्पोर पाए जाते हैं। गैमीट आर जनरली हैप्लॉयड, नहीं गैमीट आर ऑलवेज हैप्लॉयड, बोथ स्पोर एंड गैमीट आर इनवेरियबली हैप्लॉयड, नहीं बेटा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्केन्ट्रॉन स्टार्ट इन, ऑर्केन्ट्रॉन क्या है बेटा? एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो गट होता है, एम्ब्रियोनिक एलिमेंट्री कैनाल को ऑर्केन्ट्रॉन कहा जाता है। तो ऑर्केन्ट्रॉन का फॉर्मेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? मारुला, ब्लास्टुला, अर्ली गैस्टुला या अर्ली न्यूरुला? तो बेटा गैस्टुलेशन स्टेज में, गैस्टुला में आर्केंट्रॉन का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 58, एजिंग ऑफ स्किन रिजल्ट इन, स्किन की एजिंग का मतलब है कि चेहरे पे झुर्रियां पड़ने लगती है ना, स्किन पे झुर्रियां पड़ने लगती हैं, और इसका कारण क्या है? इसका कारण आपसे पूछा गया है, एजिंग ऑफ स्किन रिजल्ट इन द इंक्रीज इन कोलेजन एंड इलास्टिन फाइबर, सी ऑप्शन हो जाएगा। कोलेजन और इलास्टिन फाइबर का एक्यूमुलेशन होने लगता है और इसी की वजह से स्किन में एजिंग आ जाती है। एक ग्रेजुअल डिक्रीज, धीरे धीरे डिक्रीज होना, साइज ऑफ टेल ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस ऑफ फ्रॉग इज ड्यू टू, जब टेडपोल्स का मेटामॉर्फोसिस होती है, बेटा टेडपोल में टेल पाई जाती है लेकिन एडल्ट फ्रॉग में टेल नहीं पाई जाती है, तो इस मेटामॉर्फोसिस के दौरान जो टेल डिसअपियर हो रही है, किसका एग्जाम्पल है? ये प्रोग्राम्ड सेल डेथ का एग्जाम्पल है, जिसे कहते हैं एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस का एग्जाम्पल है बेटा, प्रोग्राम्ड सेल डेथ हो जाएगा ये। विच टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज फाउंड इन मोस्ट ऑफ द फंजाई, ज्यादातर फंजाई में किस तरह का फर्टिलाइजेशन होता है बेटा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एल्गी में, एम्फीबियन में और बोनी फिशेज में जनरली पाया जाता है, ठीक है? ये तीन केस आप याद रखिएगा, बाकी ज्यादातर जगह पर इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही होता है। स्पोरोजेनेसिस बेटा देखिए, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, किसका फॉर्मेशन? स्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा, स्पोरोजेनेसिस यानी डेवलपमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पोर इज कॉल्ड स्पोरोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। क्लियर है बेटा? न्यूली रिलीज्ड मैमेलियन एग इज कवर्ड बाय, जब ओवुलेशन के बाद एक रिलीज होता है तो उसके ऊपर कौन सी कवरिंग पाई जाती है? दैट इज जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा, दैट इज न्यूली रिलीज्ड मैमेलियन एग इज कवर्ड बाय द जोना पेलुसिडा। ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, अगर आपसे ये पूछा जाए कभी एग्जाम में कि इमीडिएट कवरिंग अगर पूछेगा तब आप करोगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आंसर करोगे, लेकिन अगर आपसे कहा जाए न्यूली रिलीज तब आपका आंसर जोना पेलुसिडा होगा, खूब आपके एग्जाम में पूछा गया है। रिजर्व सेल के बारे में आपसे पूछा जा रहा है बेटा, रिजर्व सेल किसे कहते हैं? रिजर्व सेल, क्वेश्चन नंबर 63, रिजर्व सेल होती है बेटा अनडिफरेंशिएटेड सेल विद कैपेसिटी ऑफ सेल डिवीजन। रिजर्व सेल अनडिफरेंशिएटेड सेल होती हैं जिनमें डिवीजन करने की कैपेसिटी होती है। ग्राफ्टिंग इज नॉट पॉसिबल इन मोनोकॉट एज दे, मोनोकॉट में ग्राफ्टिंग क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इनमें कैम्बियम नहीं पाया जाता है ना, क्योंकि इनमें कैम्बियम नहीं पाया जाता। डाइकॉट में ग्राफ्टिंग इसलिए हो जाती क्योंकि वहां पर कैम्बियम पाया जाता है। सीड्स आर द प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज दे, सीड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट होते हैं, क्यों बताइए? सीड को हम ये क्यों मानते हैं कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट है? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा फर्टिलाइजेशन तो जरूर ही होगा ना, और सीड कैसे बनता है? फॉर्म्ड बाई फ्यूजन ऑफ गैमेट, गैमेट के फ्यूजन के बाद ही सीड का फॉर्मेशन होता है, ओव्यूल सीड में चेंज होता है।
रिकॉग्नाइज द फिगर एंड फाइंड आउट द करेक्ट मैचिंग. ये देखिए ए दिखाया गया है, यहाँ पर ये बी है, ये सी आपको दिखाई दे रहा है और डी आपको दिखाई दे रहा है. क्वेश्चन नंबर 66. तो ए क्या है बेटा, ए आपको दिखाया गया है यहाँ पर यूरेटर है ना, ये यूरिन को किडनी से लेके आता है. फिर बी क्या दिखाया गया, यूरेथ्रा आपको दिखाया गया, ये यूरेथ्रा दिखाया गया. सी आपको क्या दिखाया गया, सी आपको ग्लांस पेनिस दिखाया गया. और डी आपको क्या दिखाया गया है, फोर स्किन दिखाया गया. तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. विच वन होल्ड कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा. जो एग होता है बेटा, एग में एक तो विटलाइन मेम्ब्रेन पाई जाती है, इसके ऊपर जोना पेलुसिडा पाई जाती है, जोना पेलुसिडा, और उसके ऊपर कोरोना रेडिएटा पाई जाती है. तो कोरोना रेडिएटा की जो सेल होती है बेटा, उनको आपस में होल्ड करने का, चिपकाने का काम कौन करता है, दैट इज म्यूकोपॉलीसेक्राइड. म्यूकोपॉलीसेक्राइड एमपीएस कोरोना रेडिएटा को होल्ड करने का काम करता है. Which is correct example of type of regeneration out of the two major type. ये आज दोनों मैंने सिखाए. Morpholexis, healing of wound in the skin. नहीं बेटा, wound की जो healing है वो morpholexis नहीं, morpholexis hydra में, planaria में morpholexis पाई जाती है. Epimorphosis, replacement of old and dead erythrocyte by the new one. अगर 68 की हम बात करें तो इरिथ्रोसाइट का जो रिप्लेसमेंट होता है बेटा, वो भी एपिमॉर्फोसिस नहीं है, दैट इज रिप्लेसमेंट. मॉर्फोलेक्सिस में क्या लिखा, रीजनरेशन ऑफ टू ट्रांसवर्सली कट इक्वल पीसेस ऑफ वन हाइड्रा इनटू टू स्मॉल हाइड्राज. ये सही है बेटा, सी ऑप्शन. अगर एक हाइड्रा को, एक ये हाइड्रा है, इसको दो हिस्सों में काट दें ट्रांसवर्सली, तो दोनों टुकड़ों से एक एक नया हाइड्रा डेवलप हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड मॉर्फोलेक्सिस. Identify the correct statement. चलिए क्वेश्चन नंबर 69 पे हम पहुंच चुके हैं बेटा. क्वेश्चन नंबर 69, करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना. बिकॉज ऑफ मार्क्ड क्लाइमेटिक वेरिएशन, प्लांट ग्रोविंग नियर द सी शोर डू नॉट प्रोड्यूस एनुअल रिंग. क्वेश्चन नंबर 69, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है बेटा. तो मार्क्ड, अगर हम सी सोर की बात करें तो बेटा वहां पर मार्क्ड क्लाइमेटिक वेरिएशन नहीं होती हैं और इसीलिए एनुअल रिंग नहीं बनती हैं. द एज ऑफ प्लांट कैन बी डिटरमाइंड बाय इट्स हाइट. नहीं बेटा, एनुअल रिंग से एज को डिटरमाइन करते हैं. हीलिंग ऑफ डैमेज टिश्यू इज बिकॉज ऑफ एक्टिविटी ऑफ स्क्लेरेनकाइमा सेल. नहीं बेटा, पैरेनकाइमा सेल की वजह से हीलिंग होती प्लांट में. ग्राफ्टिंग इज डिफिकल्ट इन मोनोकॉट प्लांट एज दे हैव स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल. ये भी सही है. और कैम्बियम भी नहीं पाया था. स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल भी होते हैं और कैम्बियम नहीं पाए जाते, इसलिए मोनोकॉट में ग्राफ्टिंग पॉसिबल नहीं हो पाती. कैम्बियम को प्रिफर करिएगा आप. क्रोमोसोम नंबर इन फ्लावरिंग प्लांट कैन बी. फ्लावरिंग प्लांट में क्रोमोसोम का नंबर कैसा हो सकता है, हैप्लॉयड, डिप्लॉयड, पॉलीप्लॉयड. क्या करोगे, हैप्लॉयड, डिप्लॉयड, ओनली डिप्लॉयड, ओनली हैप्लॉयड. ए ऑप्शन सही होगा बेटा. देखिए, एग सेल हैप्लॉयड होती हैं, है ना. अगर आप बात करें लीफ सेल तो डिप्लॉयड हो जाएंगी. और टेपिटम में पॉलीप्लॉयडी पाई जाती है. टेपिटम की सेल पॉलीप्लॉयडी शो करती हैं. एग प्रोड्यूस्ड इन ए ईयर बाई एन ओवरी ऑफ नॉन प्रेगनेंट वुमेन. ये मैंने कम्युनिटी में भी क्वेश्चन बेटा पूछा था. कम्युनिटी में डेली बेसिस पर मैं आपको दो क्वेश्चन देता हूं इस चैनल पे, बायोलॉजी वाला चैनल पे दो क्वेश्चन मैं आपको देता हूं और टेलीग्राम चैनल पे दो क्वेश्चन देता हूं. 6 क्वेश्चन और मैं आपको देता हूं बेटा. इसीलिए तो हम पढ़ाई कर रहे हैं कि नीट अगर 26 जुलाई को हुआ तो इसीलिए तो पढ़ाई चल रही बेटा. ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा बेटा. एन ओवरी कहा है बेटा, एक फीमेल में दो ओवरी होती हैं और एक साल में रफली 12 मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती हैं. तो 12 मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, मतलब 12 एक प्रोड्यूस होंगे. तो एक ओवरी 6 एक प्रोड्यूस करेगी और दूसरी ओवरी 6 प्रोड्यूस करेगी. तो एक ओवरी से 6 एक प्रोड्यूस होंगे बेटा रफली. मैक्सिमम ग्रोथ रेट कहां पर होगा, स्टेशनरी फेज में, लैग में, सेनेसेंट में या एक्सपोनेंशियल में. मैक्सिमम ग्रोथ होगा एक्सपोनेंशियल फेज में, जिसे
लॉग फेज भी कहा जाता है। लॉग फेज में मैक्सिमम ग्रोथ होगी। एनिमल विच पजेस क्लीडोइक एग एग्जिबिट, क्लीडोइक एग का मतलब क्या होता है बेटा? क्लीडोइक एग का मतलब क्या होता है? कैल्केरियस, कैल्केरियस शेल, एक के ऊपर कैल्केरियस शेल पाया था। जैसे मुर्गी का अंडा आपने देखा, उसके ऊपर जो छिलका आप छिलके फेंकते हैं अंडा खाने के लिए, वो एक्चुअली कैल्केरियस शेल है। मुर्गी का अंडा क्लीडोइक एग है। तो क्लीडोइक एग कहां पाए जाते हैं? रेप्टाइल में, रेप्टाइल में, बर्ड में। रेप्टाइल और बर्ड में क्लीडोइक एग पाए जाते हैं। तो रेप्टाइल और बर्ड में फर्टिलाइजेशन कैसा है? इंटरनल, लेकिन डेवलपमेंट एक्सटर्नल है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल डेवलपमेंट, क्लियर है? ह्यूमन में क्या होता है? इंटरनल, मैमल में इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल डेवलपमेंट होता है। क्लियर है बेटा? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 74। मेल गैमिटोफाइट, मेल गैमिटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म और मोनोकोटेज। एंजियोस्पर्म में जो मेल गैमिटोफाइट होता है, दैट इज मोनोकॉट या एंजियोस्पर्म में मेल गैमिटोफाइट किसे कहते हैं? अब मेल गैमिटोफाइट तो बेटा वैसे पॉलन ग्रेन होता है, लेकिन पॉलन ग्रेन यहां पर ऑप्शन नहीं दिया गया, तो आप क्या करोगे? पॉलन ग्रेन को कौन बताता? माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्पोर। तो माइक्रोस्पोर को मेल गैमिटोफाइट आप कह सकते हो। माइक्रोस्पोरेंजियम मेल गैमिटोफाइट नहीं बेटा, आइडेंटिकल ट्विन आर आल्सो नेम्ड एज। बेटा आइडेंटिकल ट्विन जो होते हैं वो एक ही जायगोट से बनते हैं। एक जायगोट है और इस जायगोट में पहला क्लीवेज हुआ, दो सेल बनी, दोनों सेल अलग हो गई। जब दोनों सेल अलग हो गई तो दो जायगोट, दो एम्ब्रियो बने और दो बच्चों का विकास हुआ। अब ये दोनों जो बच्चे होंगे इन्हें कहेंगे मोनोजाइगोटिक ट्विंस। इन्हें मोनोजाइगोटिक ट्विंस कहा जाता है या आइडेंटिकल ट्विन के नाम से जाना जाता है। प्रोटीन विच प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन एजिंग इज, एजिंग में कौन सा प्रोटीन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? बेटा मॉर्फोलेक्सिस एक टाइप का रीजनरेशन ही है बेटा, मॉर्फोलेक्सिस एक टाइप का रीजनरेशन ही है, ठीक है? चलिए तो कौन सी प्रोटीन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बेटा यहां पर? प्रोटीन विच प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन द एजिंग, दैट इज द इलास्टिन। इलास्टिन प्रोटीन एजिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पंचानन महेश्वरी इनकरेज्ड जनरल एजुकेशन एंड मेड ए सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्कूल एजुकेशन बाई हिज लीडरशिप इन ब्रिंगिंग आउट ए वेरी फर्स्ट टेक्स्ट बुक ऑफ बायोलॉजी फॉर हायर सेकेंडरी एजुकेशन पब्लिश बाई एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की सबसे पहली जो बायोलॉजी की टेक्स्ट बुक थी वो पंचानन महेश्वरी के लीडरशिप में पब्लिश की गई थी इन द ईयर। एनसीईआरटी में है बेटा, ये मत कहिएगा एनसीईआरटी में नहीं है, ये एनसीईआरटी में दिया गया है। एनसीईआरटी बायोलॉजी की पहली टेक्स्ट बुक आई थी 1964 में। क्रैसिन्यूसिलेट ओव्यूल, क्रैसिन्यूसिलेट ओव्यूल, दो तरह के ओव्यूल होते हैं, क्रैसिन्यूसिलेट होता है और एक ट्यून्यूसिलेट होता है। ट्यून्यूसिलेट और क्रैसिन्यूसिलेट दो तरह के ओव्यूल होते हैं रिजर्व फूड के आधार पे। तो क्रैसिन्यूसिलेट ओव्यूल उसे कहते हैं जहां पर वेल डेवलप न्यूसिलस होता है, न्यूसिलस इज वेल डेवलप। और अगर ट्यून्यूसिलेट ओव्यूल की बात करते हैं तो वहां पर इल डेवलप न्यूसिलस पाया जाता है, ठीक है? तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर सी हो जाएगा। 60% ऑफ सीमेन इज प्रोड्यूस बाई, सीमेन का 60% पार्ट कौन प्रोड्यूस करता है? बहुत बढ़िया सवाल है, एनसीईआरटी में आपको नहीं दिया गया है। 60% पार्ट ऑफ द सीमेन इज प्रोड्यूस्ड बाई, क्वेश्चन नंबर 79, दैट इज सेमाइनल वेजिकल। सेमाइनल वेजिकल 60% पार्ट सीमेन का प्रोड्यूस करती है। इट इज नॉट रिलेटेड टू रिप्लेसमेंट of degenerated RBCs by new one. It is not related to replacement of degenerated blood cell by new one. Question number 80. RBC की 120 दिन की लाइफ होती है, फिर वो degenerate हो जाती है, उसके यहाँ पर नई RBC आती है बेटा, है ना? नई RBC आती है। तो ये है यहाँ पर आपसे पूछा गया है, देखिए ग्रोथ थ्रू अनडिफ्रेंशिएटेड सेल, बोन मैरो की अनडिफ्रेंशिएटेड सेल से बनती है, तो सही है,
नॉट पूछा है यहाँ पर, है ना, नॉट ध्यान दीजिएगा। ग्रोथ थ्रू रिजर्व सेल, यस, बोन मैरो में जो रिजर्व सेल हम बनाते हैं, मल्टीप्लीकेशन ग्रोथ होती है, एक्रीशनरी ग्रोथ नहीं होती। याद करें एक्रीशन कहाँ पे टर्म यूज करते हो, एक्रीशन टर्म आप तब यूज करते हो जब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होती है, माउंटेन, सैंड माउंट, बोल्डर, इन सब में एक्रीशन के द्वारा ग्रोथ होती है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो ये बेटा लाइव सेशन के थ्रू मैंने आपको करा दिए 80 क्वेश्चन तो हो गए लाइव सेशन के थ्रू। अब कोई भागेगा नहीं, ठीक है, पहली चीज तो ये। मेंटी के थ्रू हम 20 क्वेश्चन करने वाले हैं, मेंटी 20, ठीक है, मेंटी 20 हम करेंगे, और 20 क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और 10 मिनट का टाइम लगेगा बेटा, ठीक है। तो सब लोग मेंटी पे अब चलेंगे। और दूसरी बात ये है कि कल का टॉपिक क्या रहने वाला है, कल देखिए बेटा जो बच्चे नए हो जान ले कि 30 जून को एनसीईआरटी क्लास 11 की यूनिट 1 मैंने कराई थी, ठीक है। फिर आज है जुलाई 1, 1 जुलाई को मैंने एनसीईआरटी क्लास 12 का यूनिट नंबर 1 करा दिया। अब जुलाई 2 की अगर हम बात करते हैं, तो जुलाई 2 में फिर से हम क्लास 11 पे जाएंगे, और क्लास 11 में यूनिट नंबर टू के क्वेश्चन कल मैं आपको कराऊंगा। तो कल का टॉपिक तो बेटा पता चल गया बेटा, है ना, कल का टॉपिक तो आपको पता चल गया कि यूनिट 2 हम करेंगे, और इस यूनिट 2 का नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन प्लांट एंड एनिमल। इस टॉपिक के 100 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, और आज रात में एनटीए का मॉक टेस्ट पेपर तो है ही हो, तो जानते ही आप, है ना। तो चलिए अब आते हैं मेंटी पे, जल्दी से मेंटी ज्वाइन करते हैं, जल्दी से मेंटी पे आ जाइए सभी लोग। बेटा मेंटी करोगे तो सीखोगे तो आप ही, है ना, आप ही के लिए किया जा रहा है ये सब कुछ, मेंटी से घबराते क्यों हो तुम लोग इतना। मेंटी कोड मैं आपको दे दे रहा हूं, मेंटी चलो मेंटी कोड तो आ गया आपके पास में, जल्दी से ज्वाइन करिए। ट्वेंटी क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, जल्दी से मेंटी पे आइए। 274900 ये आज का मेंटी कोड है बेटा। 20 क्वेश्चन कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी नेट की, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन मैंने कम कर दिए बेटा, ठीक है। मेंटी कोड जल्दी से, सारे 500 बच्चे वहां पे चाहिए मुझे, गायब नहीं होगा कोई। 274900 ये आज का मिंटी कोड है बेटा। 25 दिन आप लगे रहोगे तो 5000 क्वेश्चन आपके मैं तैयार करवा दूंगा, ठीक है, बस आपको साथ में लगे रहना, आपको भागना नहीं है, ठीक है, आपको थोड़ा सा टाइम निकालना है। मैं भी ज्वाइन कर लूं, ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं, जल्दी से आई बेटा। मिंटी कोड है 274900 ये आज का मिंटी कोड है। सौरभ करे आज रिकॉर्ड टूट गया लाइव का, अच्छा नहीं, लाइव में रिकॉर्ड जब हमने पहली मैराथन की थी ना उस समय करीब 900 का रिकॉर्ड है, हाँ, तो रिकॉर्ड तो अभी नहीं टूटा है। लेकिन रिकॉर्ड टूटेगा, अच्छा मेंटी पे कुछ बच्चे कह रहे मेंटी पे 50 क्वेश्चन कराए बेटा। मेंटी पे बहुत सारे बच्चे कर नहीं पाते हैं ना, दिक्कत ये है, मैं तो मेंटी पे 50 क्वेश्चन करा ही रहा था। मेंटी पे अभी देखिए बेटा 263 बच्चे पहुंच चुके हैं, ठीक है, 263 बच्चे पहुंच चुके हैं, 270 हो चुके हैं, अभी 1000 क्वेश्चन का मैराथन किया जाए, अच्छा। कुछ बच्चे कह रहे कि सर मेंटी इज बेटर,
मिंटी पे 300 बच्चे आ चुके हैं बेटा, जल्दी से आइए सभी लोग। ये शायद अब आपको नंबर दिखने लगे बच्चों का, मैंने थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया है, दिखाई दे रहा है ना बेटा आप? 2, हाँ 291, 292, देखिए दिखाई दे रहा है ना अभी? हाँ देखिए 550 से 350 लोग बचे है ना। आज मेंटी पे गलती भारी पड़ेगी। चलो ठीक, 300 लोग करीब आ चुके हैं बेटा है ना, तो हम कुछ स्टार्ट करते हैं ठीक, बाकी बच्चे आते रहेंगे। तो चलिए पहला सवाल आ रहा है आपकी स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन क्या है? एजिंग इज डिसअपियरेंस, एजिंग स्टार्ट विद द डिसअपियरेंस ऑफ, एजिंग की शुरुआत होती किसके डिसअपियरेंस से, दैट इज द, इसमें क्या हो गया? ये थोड़ा सा गलत हो गया बेटा, इसमें सही आंसर होगा, नहीं सही तो है, थाइमसिस तो सही है, ठीक है सही है बेटा सही है। 284 बच्चों ने आंसर किया था बेटा, और थाइमस ग्लैंड का डिजेनरेशन होता है ना, और यही एजिंग का कारण है। 253 बच्चों ने सही किया है, केवल 30 बच्चों का गलत है, 31 बच्चों का। रोहित से मिलना है तुम लोगों को? अच्छा ठीक है भाई मिलवाता हूँ। विच टाइप ऑफ ब्लास्टुला, जल्दी से मिंटी दे लो फिर देते हैं, करते हैं ठीक है बेटा। जो बच्चे नए हैं स्ट्रीट, हाँ बेटा बुल सही, एनसीआरटी बेस्ड है पूरी तरीके से। ब्लास्टुला सीलो ब्लास्टुला पाया था बेटा, सीलो ब्लास्टुला पाया था, फ्रॉग में पूछा गया था। 302 में 15 बच्चे सही कर पाए, ये क्या मसला है, ये कुछ समझ में नहीं आया मुझे। अबे एम्फीबिया से थोड़ी करना था एम्फीब्लास्टुला। क्लिस्टोगैमस फ्लावर आर फाउंड इन, क्लिस्टोगैमस फ्लावर एनसीईआरटी ने तीन जगह दी है आपको, कोमेलाइना, ऑक्सेलिस एंड वायोला, लेकिन यहाँ पर तो ऑप्शन है ही नहीं है ना, तो यहाँ पर एक नया ऑप्शन आपको दिया गया, दैट इज अरेकिस हाइपोजिया। अरेकिस हाइपोजिया क्या है बेटा? दैट इज ग्राउंड नट, मूंगफली में भी होता है। 129 बच्चों का आंसर सही है, और 150 बच्चों ने गलत किया है। गलती करने वाले ज्यादा हैं, सही करने वाले कम हैं यहाँ पर। द इंटरनल बड ऑफ फ्रेश वाटर स्पॉन्जेज आर अदरवाइज कॉल्ड, इंटरनल बडिंग होती बेटा है ना, इंटरनल बडिंग फ्रेश वाटर स्पॉन्ज में पाई जाती हैं, जैसे स्पॉन्जुला, हाँ मूंगफली बेटा, अरेकिस हाइपोजिया, हाइपोजिया नाम ही नहीं पता चला, हाइपो मतलब नीचे, जिया मतलब अर्थ, अर्थ के नीचे। 180 बच्चों ने सही किया बेटा, दैट इज जेम्यूल, अभी तो मैंने कराया था, अभी मैंने कराया था, उसके बाद भी देखिए कि 130 बच्चे आंसर गलत कर रहे हैं। ग्रोथ रेट इन चाइल्डहुड इज कंट्रोल्ड बाय, बचपन में ग्रोथ रेट को कौन कंट्रोल करता है? एस्ट्रोजन, थायरोक्सिन, थाइमोसिन या प्रोजेस्ट्रॉन? क्वेश्चन नंबर 5, ग्रोथ रेट कौन कंट्रोल करता है बेटा? दैट इज थाइमोसिन हार्मोन, जो कि थाइमस ग्लैंड से निकलता है, और इसलिए थाइमस का इंपॉर्टेंट रोल है। और केवल 102 बच्चों का आंसर सही, 190 बच्चों ने गलत किया है। तो 5 क्वेश्चन के बाद अब देखते हैं लीडर बोर्ड क्या कह रहा है। लीडर बोर्ड में तो आज बहुत कुछ चेंज होगा। चलिए मनीषा यादव पहले नंबर पे हैं, देन यूसुफ, नितेश, प्रिया, काजल, चंद्रकांत, युवराज, लकी, नीलू और मैजिकल। चलिए अगले 5 क्वेश्चन देखते हैं, फिर लीडर बोर्ड आ जाएगा बेटा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6,
नंबर ऑफ फीटल मेम्ब्रेन इन ह्यूमन इज, ह्यूमन में कितनी फीटल मेम्ब्रेन पाई जाती हैं, ह्यूमन में कितनी फीटल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं, 1, 2, 3 या 4? तो ह्यूमन में एमनियॉन, कोरियॉन, एलेंटॉइज और यॉर्क सैक 4 होती है बेटा यहाँ पर, है ना? तो करेक्ट ऑप्शन होगा सी, करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए था 4। ये थोड़ा आंसर बेटा मिसप्रिंट हो गया, इसको मैं डिस्कार्ड कर देता हूँ, ठीक है? करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होगा 4 फीटल मेम्ब्रेन या एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन पाई जाती है। पॉलन किट इज फॉर्म्ड फ्रॉम, पॉलन किट का फॉर्मेशन किससे होता, पॉलन किट का फॉर्मेशन किससे होता, ये तो आज ही मैंने कराया था बेटा। पॉलन किट का फॉर्मेशन कौन करता है? उबिस बॉडी टेपिटम को बनाती है, टेपिटम उबिस बॉडी जो होती है वो एग्जाइन को बनाती है, और टेपिटम जो होता है पॉलन किट को बनाता है। 162 बच्चों का आंसर सही है और 120 बच्चों का आंसर गलत है। क्वेश्चन नंबर 8, क्राइजेंथमम मल्टीप्लाइज वेजिटेटिवली बाई, क्राइजेंथमम में वेजिटेटिव प्रोपगेशन किस तरीके से होता है, क्राइजेंथमम में वेजिटेटिव प्रोपगेशन किस तरीके से होता है, जल्दी से आंसर करिएगा। क्राइजेंथमम में वेजिटेटिव प्रोपगेशन बनाना पाइनएप्पल क्राइजेंथमम में सकर के द्वारा, 150 बच्चों ने सही किया और 119 बच्चों का आंसर गलत है। करीब 270 280 बच्चे आंसर कर पा रहे हैं यहाँ पर। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद एजिंग इज, एजिंग से जो ब्रांच बायोलॉजी की कनेक्टेड है उसका नाम क्या है? ये सब मैंने बेटा स्पेशल सरप्राइज सेशन में आपको कराया भी था। क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज कॉल्ड जीरोन्टोलॉजी, जीरोन्टोलॉजी कहते हैं बेटा, जीरोन्टोलॉजी। 98 बच्चों का आंसर सही बेटा। बी ऑप्शन कितने बच्चों ने किया? डर्मेटोलॉजी। बेटा डर्मेटोलॉजी तो स्किन की स्टडी को कहते हैं, कैलोलॉजी ह्यूमन ब्यूटी की स्टडी को कहते हैं। केवल 98 बच्चे सही आंसर कर पाए, 175 बच्चों ने गलत किया आंसर। इन ह्यूमन द एम्ब्रियो इज प्रोटेक्टेड, इन ह्यूमन में एम्ब्रियो को कौन प्रोटेक्ट करता है, पेरिटोनियल कैविटी, एलेंटॉइज, प्लूरल कैविटी या एमनियोटिक कैविटी? तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है बेटा। चौधरी अमर पटेल, बेटा देखिए कोड दिखाई दे रहा है आपको, कोड है 2749 00, इसको जाके मिंटी पे डालेंगे आप ज्वाइन कर लेंगे। 207 बच्चों ने सही किया एमनियोटिक कैविटी और 70 बच्चों ने करीब गलत आंसर किया है। चलिए तो 10 क्वेश्चन के बाद लीडर बोर्ड देखते हैं यहां पर क्या कंडीशन है लीडर बोर्ड की। अब है यूसुफ खान, हैप्पी डॉक्टर डे, पहले नंबर पे, देन मनीषा यादव सेकंड पोजीशन पे, देन अनुज, लकी, नीलू, चंद्रकांत वर्मा, विपिन, दीपक, गरिमा, नेहा। देख काफी चेंज हो गया, काफी बच्चे जो पिछले वाले टॉप 10 में लीडर बोर्ड में थे वो बाहर चले गए और नए बच्चों की यहाँ पर एंट्री हो गई। क्वेश्चन नंबर 11, पॉलिनिया आर फाउंड इन द फ्लावर ऑफ, पॉलिनिया के अंदर पॉलिन ग्रेन होते हैं बेटा और ये कहाँ पर पाए जाते हैं? पॉलिनिया, ट्रांसलेटर मैकेनिज्म, कुछ सुना है कभी आपने? पॉलिनिया दैट इज कैलाट्रॉपिस, मदार में, एस्केल्पाइडेसी फैमिली का मेंबर है। तो यहां पर 104 बच्चों का आंसर सही है, केवल 155 बच्चों का आंसर गलत है यहां पर। क्वेश्चन नंबर 12, इन ग्राफ्टिंग स्टॉक एज, स्टॉक और सियोन दो चीजें मैंने आपको बताई थी, है ना? तो स्टॉक क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 12 में स्टॉक क्या होता है बेटा? जो पार्ट, जिस पार्ट की ग्रेफ्टिंग की जाती है वो सियोन होता है और जो रूटेड पार्ट होता है बेटा वो स्टॉक होता है। पार्ट ऑफ रूटेड प्लांट इज कॉल्ड स्टॉक। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 142 बच्चों ने सही किया है यहाँ पर बेटा और 120 बच्चों ने गलत किया है। क्वेश्चन नंबर 13, फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम, फ्री रेडिकल कैसे बनते हैं? तो केमिस्ट्री का सवाल भी है बेटा, फ्री रेडिकल, ये तो केमिस्ट्री का सवाल भी है ना? चलिए जल्दी से बताइएगा। फ्री रेडिकल बनते हैं बेटा ऑक्सीडेशन से, इसीलिए
एंटीऑक्सीडेंट का यूज किया जाता है। आप देखते नहीं कि जो च्यवनप्राश खाते हैं उसमें कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट है, और एंटीऑक्सीडेंट कौन होते हैं, विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई, ये होते हैं एंटीऑक्सीडेंट। क्रीम में भी इनका यूज किया था, जो पुट्टी आप लगाते हो नहीं उसमें भी इसका यूज किया जाता है। ट्यूनिका एल्बुजिनिया इज रिलेटेड टू, ट्यूनिका एल्बुजिनिया का रिलेशन किससे बेटा, ट्यूनिका एल्बुजिनिया इज रिलेटेड विद, जल्दी से बताइएगा, ट्यूनिका एल्बुजिनिया का रिलेशन किससे है बेटा, ये कवरिंग होती है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका वेजिनेलिस और ट्यूनिका वेस्कुलोशा, ये कवरिंग होती है, टेस्टिस में पाई जाती है बेटा, टेस्टिस की कवरिंग होती है। 223 बच्चों ने सही किया है और करीब 25 बच्चों ने गलत किया है। क्वेश्चन नंबर 15, जर्मिनेशन इज एपीजियल इन, दो तरह का जर्मिनेशन होता है, एपीजियल एंड हाइपोजियल। तो आपसे पूछा गया जर्मिनेशन इन एपीजियल कहां पर पाया जाता है बेटा, क्या मैं आपको एक अलग से अगर आप चाहें तो डीपीपी भी आपको मैं एक देना शुरू करूं, जिसकी प्रैक्टिस आप खुद भी करें, और जो एनसीईआरटी के बाहर के टॉपिक है उसका मैं आपको वर्कबुक प्रोवाइड कर दूं, वो भी आप कर लो। क्या आप चाहते हो तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूं उसको। क्वेश्चन नंबर 39, जर्मिनेशन इज एपिजियल इन हेलियंथस, सनफ्लावर में बेटा, ठीक है। तो 239 में से 39 बच्चों ने आंसर सही किया, 200 बच्चों का आंसर गलत है। तो चलिए अब देखते हैं क्या कंडीशन है बेटा यहाँ पर। यूसुफ अभी भी टॉप पे हैं, यस। सेकंड नंबर पे अब कुसुम है, देन चंद्रकांत, नीलू, मनीषा, अनुज, लकी, काजल, हर्ष और राज। तो मनीषा अब पांचवें नंबर पे हैं, चलिए यूसुफ खान पहले नंबर पे हैं, कुसुम सेकंड नंबर पे हैं, देन चंद्रकांत। अब आखिरी के पांच सवाल के बाद देखते हैं, क्वेश्चन थोड़े से टफ है मैं मानता हूं, क्योंकि तो आपने हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े भी ना हो। कर दिया जाए, वर्कबुक दे दिया जाए आपको, डीपीपी प्रोवाइड कर दी जाए आपको, है ना। चलिए, प्लांट प्रोपेगेटेड बाय लीव्स इज, प्लांट प्रोपेगेटेड बाय लीव्स, लीव के द्वारा प्रोपेगेशन किसमें होता है बेटा, कलंचो हो गया और अगियों में बल्बिल होते बेटा, एक तो ब्रायोफिलम होता, दूसरा कलंचो होते, दो ऑप्शन हो जाएंगे। 127 बच्चों ने सही किया और 125 बच्चों ने गलत किया है। अच्छा विचार है ये, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल पे आपको दे दिया जाए या यूट्यूब पे प्रोवाइड किया जाए लिंक के द्वारा, जल्दी से आप बताइए। यूट्यूब पे प्रोवाइड करूंगा तो 2 मिनट की एक वीडियो बनानी पड़ेगी, टेलीग्राम पे सीधे आपको मिल जाएगा, जहां आप चाहते हो जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है वहां भी दिया जा सकता है। प्रोग्राम्ड सेल डेथ इज, ये तो आज मैंने कई बार बताया, लिख के भी बताया, प्रोग्राम सेल डेथ इज क्या है, एपोप्टोसिस। 157 बच्चों ने सही किया है, 90 बच्चों ने गलत किया है। चलिए, कुछ बच्चे टेलीग्राम कह रहे हैं, कुछ यूट्यूब कह रहे हैं, अच्छा चलो दोनों जगह दे दूंगा, व्हाट्सएप पे भी कर, तीनों जगह कर दूंगा, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे और यूट्यूब, तीनों जगह दे दूंगा, ठीक है बेटा। चलिए, एग ऑफ फ्रॉग इज, फ्रॉग में एक किस तरीके का होता है, एग ऑफ फ्रॉग इज, डीपीपी भी दे दूंगा, उसकी भी प्रैक्टिस करिएगा, और डीपीपी में दूंगा उसी टॉपिक की जो आज मैंने कराया आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 जल्दी से करिएगा, एक कैसा होता है फ्रॉग में, दैट इज टीलोलेसिथल इन नेचर, 74 बच्चों ने सही किया है और 180 बच्चों ने करीब गलत किया है। मूवमेंट ऑफ पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स एम्ब्रियो साइकेज, एम्ब्रियो, कल मैंने कराया था बेटा क्वेश्चन रात में, जो आपका एनटीए का मॉक टेस्ट हुआ था, लिंक दे देंगे बेटा, लिंक भी दे देंगे, यूट्यूब पे तो लिंक ही आपको मिलेगा, है ना बेटा। फ्रॉग सिलेबस में अर्थवर्म नहीं बेटा, फ्रॉग के क्वेश्चन तो आप देखिए एनटीए के मॉक टेस्ट में ही पूछे जा रहे हैं। मूवमेंट ऑफ पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स एम्ब्रियो साइकेज कीमोटैक्टिक, 174 बच्चों ने सही किया है और 70 बच्चों ने गलत किया है। शेड्यूल का वीडियो बना दिया करिए बेटा रिया, शेड्यूल का कोई शेड्यूल, दो ही चीजें तो होती हैं, रात में एक एनटीए का मॉक टेस्ट होता है 10 बजे और 12 बजे लाइव सेशन होता है, तो इसमें शेड्यूल बनाने की क्या जरूरत है, फिर शेड्यूल बनाने मुझे भी टाइम लगेगा, आप वीडियो देखोगे उसमें भी टाइम लगेगा, है ना। अच्छा मैम की टेलीग्राम की पीडीएफ, ठीक बेटा वो भी मैं दिला दूंगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, प्लांट विद पुअर रूट सिस्टम आर प्रोपेगेटेड थ्रू ग्राफ्टिंग के द्वारा इनका प्रोपेगेशन किया जाता है,
240 में 101 बच्चों ने सही किया, 140 बच्चों ने गलत किया। फाइनल लीडर बोर्ड आपकी स्क्रीन पे आ रहा, फाइनल लीडर बोर्ड। बेटा क्रैश कोर्स प्रियंका पासवान, कल मैंने अपलोड तो कर दिया था बेटा क्रैश कोर्स, ठीक है, आगे भी आपको मिलता रहेगा, ठीक है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही दूंगा बेटा, ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही प्रोवाइड करूंगा। दीपचंद बेटा ऑब्जेक्टिव बायोनेट आप कर लोगे तो ये सफिशियंट है, ठीक है। चलिए यूसुफ खान 18,000 पॉइंट के साथ टॉप पे हैं, देन दूसरे नंबर पे लकी हैं, तीसरे नंबर पे चंद्रकांत हैं, चौथे नंबर पे मनीषा यादव हैं, पांचवे नंबर पे कुसुम हैं, छठे नंबर पे क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, छठे नंबर पे चलिए फिर से देख लेते हैं एक बार। छठे नंबर पे प्रिया है, सातवें पे गरिमा है, आठवें नंबर पे गरिमा है, नवे नंबर पे हर्ष है और दसवें नंबर पे राजवर्मा है। तो आज के टॉपर है यूसुफ खान। बेटा देखिए लगभग हर दिन टॉपर चेंज हो जाता है। तो अभी जो ये आखिरी क्वेश्चन किया 241 बच्चों ने इसका आंसर किया था, टोटल जो बच्चों ने मिंटी ज्वाइन किया था बेटा आज करीब 422 बच्चों ने मिंटी ज्वाइन किया था आज, ठीक है, टोटल 422 बच्चे थे, उसमें आपकी रैंक शो कर रहा होगा बेटा, ठीक है, आपके मोबाइल पे आपकी रैंक शो कर रहा होगा, जैसे मेरी रैंक दिखा रहा 324 है ना, वैसे आपकी रैंक भी शो कर रहा होगा, ठीक है। मेरा फोन कौन सा है, अरे मेरा फोन ये देखो, गरीबों वाला है बेटा, आईफोन है मेरे पास, केवल एक छोटा सा देखो आईफोन है ना। क्वेश्चन बेटा ये जितने भी क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। अच्छा फैजल कह रहे हैं एनटीए फिजिक्स का भी डेली एनटीए का मॉक टेस्ट करवा दिया जाए, अच्छा हाँ ये भी ठीक है। रूही से मिलवा दिया जाए तुम लोगों को, अच्छा बेटा जो क्रैश कोर्स अपलोड हुआ उसका टेस्ट हो चुका है, फिर भी मैं करवा दूंगा, ठीक है। आईफोन चाइनीज है, नहीं बेटा, अबे आईफोन तुमको किसने बताया था चाइनीज है, नालायक को, अबे आईफोन अमेरिकन कंपनी है, हाँ कहाँ रहते हो तुम लोग गंवार, आईफोन बता रहा चाइनीज कंपनी, अच्छा कल का टॉपिक बेटा बताया तो था, फिर से बता दूं क्या, कल का टॉपिक हमारा है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनिट है बेटा, इसमें तीन चैप्टर मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी एंड एनिमल टिश्यू, ठीक है। तो इसमें जो तीन चैप्टर है बेटा, इन तीन चैप्टर के 100 क्वेश्चन में आपको कराऊंगा 80 लाइव सेशन के द्वारा और 20 मिनटी के द्वारा, 80 और 20 इस तरीके से मैं कराऊंगा बेटा। और इसके अलावा अगर आप इस तरीके से 10 दिन लगे रहेंगे 10 डेज, तो अगले 10 दिन में पूरी 10 यूनिट आपकी तैयार हो जाएंगी। दो यूनिट तो हो ही चुकी है, कल मैंने आपको कराया था लिविंग वर्ड, आज मैंने आपको करा दिया है रिप्रोडक्शन। हम अल्टरनेट चलेंगे, एक क्लास 11 की यूनिट लेंगे, फिर एक क्लास 12 के एनसीईआरटी यूनिट लेंगे, ठीक है। पबजी नहीं खेलता बेटा, मैं पबजी नहीं खेलता हूँ, गेम खेलने का टाइम कहाँ मिलता है, टाइम मुझे मिलता तो मैं मूवी देखता हूँ केवल, है ना, अगर मुझे टाइम मिलता है तो केवल मैं मूवी देखता हूँ, गेम नहीं खेलता हूँ फिर मैं, ये अच्छा दिखाई भी नहीं दे रहा तुम लोगों को, एक मिनट सब मैंने लिख भी दिया और तुम लोगों को दिखाई भी नहीं दे रहा है, चलो अभी दिखाई देगा।
फिर से लिख दूं क्या मैं? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसके क्वेश्चन होंगे बेटा कल। तीन चैप्टर हैं इसके, और तीन चैप्टर के 100 क्वेश्चन में कराऊंगा आपको, ठीक। 3 चैप्टर से 100 क्वेश्चन, तैयार रहिएगा इसके लिए, है ना। हाँ बेटा, अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि क्या क्या चीजें मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। एक तो मैं आपको वर्कबुक दे दूंगा जिसमें एनसीईआरटी के बाहर वाले टॉपिक आप कवर कर लोगे। दूसरा, डीपीपी मैं आपको प्रोवाइड करना आज से स्टार्ट कर दूंगा, जिससे आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस अपने रूम पे भी कर सकते हो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस, ठीक है। तो डीपीपी और वर्कबुक आज से आपको मिलने लगेंगे, ठीक है। यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, और व्हाट्सएप पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तीन जगह मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, कहीं पे भी अगर आप हैं तो इनको आसानी से ऑब्टेन कर सकते हैं। अच्छा, इसका क्रैश कोर्स बेटा अभी हुआ कहाँ है? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का क्रैश कोर्स बेटा नहीं हुआ अभी, ठीक है। अच्छा, वेटिंग फॉर लिटिल आंसर। अच्छा बेटा, ग्रुप में ऐड होने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का, उस लिंक पे जाके आप रिक्वेस्ट करोगे, है ना, उस पे आप ग्रुप के ऐड करने के लिए बता दोगे तो ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएगी आपकी। अच्छा तो चलिए, रूही को मैं देखता हूँ, लेके आता हूँ, अगर सो नहीं रही है तो, ठीक है। मिंटी 50 क्वेश्चन की। अच्छा चलो देखता हूँ बेटा, देखता हूँ, ठीक है, रूही को मैं देख लेता हूँ पहले।
पे लिखना है। कौन है ये? बाबू है। इससे लिखिए, ये देखिए इस पे लिखिए, ये देखिए इस पे लिखिए, इस पे लिखिए, इस पे लिखिए, ये देखिए इस पे लिखिए। डायनासोर अभी दे रहा हूँ। हेलो करिए बेटा, हेलो करिए, हेलो हेलो। ये देखिए कौन है, ये देखिए कौन है, ये कौन है? चलो हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं बेटा वो। हैप्पी बर्थडे पापा जी, डायनासोर फेस में ना। हाँ अभी मिल जाएगा पापा जी, डायनासोर फेस में ना। हाँ अभी मिल जाएगा। हेलो बोलिए उधर सामने, हेलो बोलिए। हेलो बिट्टू आप भी बोलिए हेलो, हेलो बोलिए। पापा जी डायनासोर फेस में ना। हाँ अभी मिल जाएगा बेटा। बेटा क्या केस पे लिखोगे? चलो इस पे लिखो। हाँ 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 अभी मिल जाएगा। क्या कर दिया बेटा? ये क्या कर दिया? अरे डांसर फेस दे दो। हाँ अभी दे रहा हूँ बेटा। हेलो करिए, हेलो करिए पहले, हेलो करिए सामने, हेलो करिए, देखिए हेलो करिए, से हेलो। हेलो बेटा। क्या हो गया? पानीपत की लड़ाई जरूर लो। क्या हो गया बिट्टू? ठीक है बाय बाय बच्चों, बाय बाय करिए, बाय बाय, बाय बाय करिए, बाय बाय। ठीक है बच्चों, रात मिलते हैं हम लोग। हाँ।